गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आवाज नहीं आई मुझे आप लोगों की, दोबारा बोलते हैं खट्टे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू प्रो एजुकेशन। आई एम सीए सचिन गुप्ता एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर आईपीसीसी लॉ। अपने टीचर के बारे में जानना चाहते हो थोड़ा सा, थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताऊं अपनी। दोस्तों, मैं 2001 में सीए बना था और लास्ट 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं लॉ के एरिया में। लॉ हैज बीन माई ब्रेड एंड बटर सिंस 2001 और उसी सब्जेक्ट को मैं दिल्ली में लास्ट 8 साल से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रो एजुकेशन। अभी क्या होता था दोस्तों, दिल्ली से बाहर के बच्चे पढ़ने आते थे, हरियाणा से, पानीपत से, आगरा से। अब रिवर्स हो गया है, अब मेरी आवाज अब लोग तक पहुंच रही है, लखनऊ में पहुंच रही है। लखनऊ सेंटर कैसे हैं बच्चे? सारे बढ़िया हैं। जयपुर सेंटर आपके बच्चे कैसे हैं? बढ़िया हैं। कोलकाता और बाकी सेंटर्स सबको मेरा हेलो। सो मैं आपको ये कह रहा था कि आज रिवर्स हो गया है, ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है दोस्तों। कहा मैं दिल्ली में बैठा बैठा अब आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, जो ये लॉ का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये लॉ का सब्जेक्ट बहुत इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चों के 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर इसके अंदर आते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों, इसका प्रमाण भी है मेरे पास। दोस्तों, ये कब होता है? जब हम लॉ को जीने लगते हैं। दोस्तों, 2001 में मैं सीए बना था, एक भी दिन ऐसा नहीं है दोस्तों जहां पर लॉ को कुछ थ्योरी माना है। हर जगह लॉ को फॉलो किया जाता है। आप बताओ, लॉ को हर जगह फॉलो किया जाता? नहीं किया जाता। जब आप स्कूल में थे वहां पर स्कूल वाले आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जब आप कॉलेज में आते हैं वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, जब आप सड़क पे अपनी गाड़ी चलाते हैं वहां पर भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना भैया। लाल बत्ती है, रुक जाना है ना, सिगरेट नहीं पीनी है गाड़ी में, वगैरह वगैरह। तो लॉ इज द बेस जिस पर हमें अपनी बिल्डिंग बनानी है। अब मैं अपना थोड़ा सा स्टाइल ऑफ टीचिंग के बारे में बताऊं। दोस्तों, मेरी जो अप्रोच रहेगी अंडरस्टैंडिंग की रहेगी, मेरी अप्रोच अंडरस्टैंडिंग की रहेगी, रटने की नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा यह मानना है, जब हम कोई चीज रटते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, एक बोझ बन जाता है। हम मूवी देखते हैं ना दोस्तों, कौन सी लास्ट मूवी देखी आप लोगों ने बताओ? लास्ट मूवी कैटरीना कैफ की होगी, कोई करीना कपूर की होगी, कौन सी लास्ट मूवी देखी है? धूम 3 यारिया। तो अब मूवी देखते टाइम पर दिमाग कहां होता है हमारा? कहां पर होता है दिमाग? हाँ, धूम 3 लखनऊ सेंटर, धूम 3 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हमारा दिमाग कहां होता है? दिमाग तो बंद होता है, पॉपकॉर्न में होता है दिमाग। पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और साथ में पेप्सी चढ़ा रहे होते हैं, तो क्या है? और 3 घंटे पता ही नहीं चलते कहां बीत गए। सच कह रहा हूं ना मैं, बात समझ आ रही है ना मेरी? सो यही मेरी अप्रोच रहेगी कि 3 घंटे हम अपनी क्लास में एंजॉयमेंट करने वाले हैं। 3 आवर्स वी आर गोइंग टू एंजॉय लॉ को हम समझेंगे। मैं लॉ को थ्योरी नहीं करवाऊंगा। आई विल बी टीचिंग यू इन दी क्लास विद दी हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, विद दी हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सो दैट आप लोग लॉ के प्रति पैशन डेवलप कर पाओ। और दोस्तों, मेरा ये मानना है, जिस चीज का पैशन डेवलप हो जाता है, जिस चीज के लिए दिन रात आपकी नींद हराम हो जाए, वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। स्कूल में याद होगा आपको, कोई आपका फ्रेंड बनता है या बनती है, रात की नींद गायब हो जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हम उसको पैशन में डेवलप कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर से पूछो, उसके लिए बैटिंग क्या है? क्या वो बर्डन है या वो पैशन है? अमिताभ बच्चन से पूछो, उसके लिए एक्टिंग क्या है?
अनिल अंबानी से पूछो उसके लिए बिजनेस क्या है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं भैया तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या है, तो बोलता है बर्डन। नहीं जी, हमें ये नहीं करना। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि हम लॉ को लिव करेंगे, लॉ को हम जिएंगे, और फिर अपने आप ये चार महीने हमारा जो सिलसिला है मस्ती से निकल जाएगा और मार्क्स हमारे स्काई तक पहुंच पाएंगे। रही बात हमारी बुक्स की, ये बुक हमारी इस टाइप की, हमारे पास तीन बुक्स होंगी। ये आपको बुक्स दिखाई दे रही है, ये हमारी बुक बिजनेस लॉ की है। अब हो गई सीधी, ये बुक हमारी बिजनेस लॉ की है, एक बुक्स हमारी एथिक्स कम्युनिकेशन की होगी और एक बुक्स हमारी कंपनी लॉ की होगी। ये तीन बुक्स इन द प्रोसेस है आप तक पहुंचने के लिए। अच्छा, इन बुक्स के अंदर सारे लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, तो यानी कि इसके अलावा आपको कुछ रेफर नहीं करना। मैं होमवर्क देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। हाँ, मैं दूंगा पक्का, ये तो मैं आपको लिख कर देता हूं। तो मेरी अटेंशन रहेगी, क्लास में पढ़ेंगे, घर जाकर 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, और दो या तीन क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मैं आपको दूंगा। मैं इसलिए क्वेश्चंस दूंगा आपको सो दैट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो मैं डेवलप करवाऊंगा वो भी इंप्रूव होती जाए, क्योंकि दोस्तों लॉ का पेपर 50 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग है, रिटेनिंग है, और 50% मैं बोलूंगा, मार्क्स नहीं बोलूंगा, परसेंट बोलूंगा, 50% प्रेजेंटेशन है। यस, जो दिखता है वो बिकता है, दैट इज माय अप्रोच। तो हम पहले उसको समझेंगे, हम उसको रिटेन करेंगे, और आंसर लिखने कैसे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों का बहुत फीडबैक आता है मेरे पास, सर सब कुछ समझ आता है, सब कुछ याद भी हो गया है, दिक्कत तो ये आती है हम लिख नहीं पाते। दोस्तों भरोसा करो मुझ पर, आप इतना बढ़िया लॉ के आंसर्स लिखने पाओगे कि आप बाद में आके एग्जाम के बाद मुझे बताओगे सर आपने जो कहा था सच कहा था। तो हमारी जो बुक्स हैं दोस्तों वो एग्जॉस्टिव हैं। आपको इसके अलावा कोई स्टडी मटेरियल, कोई सजेस्टेड आंसर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने। टाइम टू टाइम बीच में मैं आपको कोई सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा केस स्टडीज के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। सो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स। दूसरी बात, टेस्ट पक्का लिए जाएंगे आपके, टेस्ट पक्का लिए जाएंगे। कभी आपने नोटिस किया है, मैं आपसे पूछूं, स्कूल में कितनी एवरेज परसेंटेज हमारी आती थी? चलो बताओ, स्कूल में एवरेज परसेंटेज हमारी कितनी आती थी? कोई सेंटर लखनऊ वाले सेंटर, लखनऊ का नाम याद आया तो मुझे बिरयानी याद आ गई, बिरयानी और कबाब। दोस्तों मैं तो वेजिटेरियन हूं, कबाब की बात तो कर नहीं सकता, बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। सो कभी मैं लखनऊ सेंटर आया तो बिरयानी टेस्ट करवाओगे, यस और नो ये तो बताओ, बिरयानी का स्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे खाने को, यस और नो बताओ। लखनऊ सेंटर वेज कबाब, ओ वेज कबाब भी मिलते हैं, यस दैट्स गुड, ठीक है डन, प्रॉमिस सचिन सर का प्रॉमिस कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गिव मी वेज कबाब एंड और साथ में क्या मिलेगा, डन 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 फ्रॉम आवर साइड। और हाँ, कोलकाता कभी गया तो रसगुल्ला पक्का खाऊंगा मैं, मेरे पास स्वीट टूथ है, मुझे वो मिठाई खाने का बड़ा शौक है, वैसे मैं कम खाता हूं गले के चक्कर में, यमी बहुत होता है बिल्कुल। सो एनी हाउ, तो मैं कह रहा था कि टेस्ट हम पक्का लेंगे, टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं, होंगे, और मॉक टेस्ट भी होगा। स्कूल में एवरेज परसेंटेज करीबन 90% 80% आती है, वो परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है कॉलेज में आते आते हैं, कॉलेज में एवरेज परसेंटेज 60% 65% 70% रह जाती है, और जब सीए में आते हैं ना दोस्तों वांदे पर जाते हैं पास होने के 40% 45%। कभी सोचा है इतना ड्रास्टिकली हम कहां होते हैं 90% पे 95% पे? दिल्ली में तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके लिए 96-97% भी बच्चे लेके आते हैं, और यहां पर 50% लाने के वादे हैं। और दोस्तों स्कूल से अब तक हमारी नॉलेज तो इंक्रीज हो गई है कई गुना,
वी हैव इंक्रीज्ड आवर ब्रेन्स. ऐसा क्यों है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं. इसका रीजन है रेगुलर असेसमेंट. इसका रीजन है रेगुलर असेसमेंट. आपकी जो आप सोच रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उसकी टेस्ट स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनल एग्जाम्स, मंडे टेस्ट, संडे टेस्ट, वीकली टेस्ट. कॉलेजेस के अंदर भी आपकी वो सेमिस्टर सिस्टम होता है. लेकिन सीए में क्या होता है दोस्तों? क्लास अटेंड करी और पहुंच गए सीधा एग्जाम में बैठ गए और दुर्घटना घटी एग्जाम के अंदर, तो 6 महीने और पीछे हो गए. तो मैं नहीं चाहता कि आपकी दुर्घटना एग्जाम सेंटर में घटे. मैं चाहता हूं आपकी दुर्घटना टेस्ट देते टाइम घटे, जिससे मैं उस बात को पकड़कर आपकी बात सुधार दूं. समझ आती है दोस्तों? तो टेस्ट प्लीज, माई इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, रेगुलरली देना. तो मैंने आपको बताया क्लास के अंदर ही हम अपना मेजोरिटी काम कर लेंगे. तो आपको दो टाइप के रजिस्टर मेंटेन कर, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो मेरी बातें, आप खाली सुनी रहे हो, प्लीज लिखिए मैं जो कह रहा हूं. लखनऊ सेंटर पीछे वहां पर 4 गर्ल्स आई कैन सी, 1 गर्ल एज अ हैंड इन फ्रंट ऑफ हर माउथ, आई कैन ऑलवेज सी यस. और एक बच्चा बेचारा अकेले कोने पे क्यों बिठा दिया उसको? उसको तो साइड में ले आओ बीच में. हाँ बाबू आपको बोल रहा हूं मैं, जो वो कोने पे बच्चा बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेटर है, बच्चा है मुझे तो हाँ हाँ इशारा कर रहे हैं. जी जी जी. तो लिखो, वी हैव टू मेंटेन टू रजिस्टर्स. लिखो लिखो, आई वॉन्ट टू सी यू राइटिंग, आई कैन सी. तो वी हैव टू मेंटेन टू रजिस्टर्स, 1 फॉर क्लास वर्क, 1 फॉर होमवर्क. टू मेंटेन 2 रजिस्टर्स, ये मत लिखवाऊंगा नीचे साइन करना, मैं कह रहा हूं सच में साइन करना इसके ऊपर. बाद में 1 महीने के बाद ये देखूंगा आप ये सारे टारगेट्स अचीव कर रहे नहीं कर रहे हो. आई वॉन्ट टू सी. तो मेंटेन 2 रजिस्टर्स. सेकेंड पॉइंट लिखो, अपियर फॉर ऑल टेस्ट. ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेते हैं, अभी नया साल स्टार्ट हुआ है तो नया साल का रेजोल्यूशन भी तो होना चाहिए. अपियर फॉर ऑल टेस्ट और सारी क्लास अटेंड करोगे या बीच में छोड़ दोगे? लिखो लिखो, कुछ नहीं होता, मैं आपको बच्चा मानता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे आप. बी रेगुलर इन द क्लास, बी रेगुलर. यस सर, ये बच्चों वाली बात, कोई बच्चों वाली बात नहीं है. लिखो, बी रेगुलर इन द क्लास. तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, और बातें नहीं करनी है, मैं आप सबको देख सकता हूं. यस आई कैन ऑल, रेज यू हैंड्स. अरे नोबडी इज रेजिंग हैंड्स. लखनऊ सेंटर, हाँ वेरी गुड. और सेंटर्स वाले और भी रेज करिए हैंड्स, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए, सो मैंने आपको अपनी बुक्स के बारे में बताया, क्लास वर्क होमवर्क के बारे में बताया. होमवर्क रजिस्टर में आप होमवर्क करेंगे. मैंने आपको सजेस्टेड आंसर्स नहीं पढ़ने, स्टडी कुछ नहीं पढ़ना, बुक्स के बारे में बताया, अपनी अप्रोच बताई मैंने आपको कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी अंडरस्टैंडिंग की. थोड़ा मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में और आपके आईपीसीसी लॉ के सब्जेक्ट की ब्रेकअप बता दूं. तो हमारा जो आईपीसीसी लॉ का सब्जेक्ट है, आईपीसीसी लॉ का सब्जेक्ट है, कितने नंबर का है ये तो बताए, 200-400, कितने नंबर का जल्दी बताओ लॉ का पेपर? बिल्कुल सही, लखनऊ सेंटर सबसे आगे याद, बहुत बढ़िया. तुम्हारा लॉ का जो पेपर है 100 नंबर का है. सो आईपीसीसी लॉ 100 मार्क्स और ग्रुप 1 में ये है आपका पेपर नंबर 2. राइटिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी? तो ये आपका है पेपर नंबर 2. अकाउंट्स के बाद आपका ये लॉ का पेपर आता है 100 नंबर का. इंस्टीट्यूट मांगता है वर्किंग नॉलेज, पेपर के लिए वर्किंग नॉलेज. इंस्टीट्यूट बोलता है जी आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्किंग नॉलेज. नहीं दोस्तों, खाली वर्किंग नॉलेज का मतलब पता है क्या होता है? चलती फिरती नॉलेज. दोस्तों चलती फिरती से काम नहीं बनता, मैं तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज दूंगा. जब भी 80 नंबर आएंगे, चलती फिरती नॉलेज दे दी ना, तो
तो 50-60 नंबर या 55 नंबर लिया होगे, पास तो मैं करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों एग्रीगेट की प्रॉब्लम जो होती है बड़ी दुखदाई होती है, 40% इन एवरी पेपर एंड द वर्ड इज एंड एग्रीगेट 50%। तो वो एक सब्जेक्ट में अगर 80-90 नंबर लिया है तो आपको एग्रीगेट की कोई चिंता नहीं, लेकिन वो 80-90 नंबर कब आएंगे, जब एक्सपर्ट बन जाओगे सब्जेक्ट को। मैंने पहले ही आपको बताया लॉ को हमें पैशन में कन्वर्ट करना है, लॉ को सब्जेक्ट नहीं मानना। और मुझे आप टीचर मत मानो, हाँ टीचर नहीं हूं मैं टीचर नहीं हूं। आज मैं ऐलान करता हूं सचिन सर टीचर नहीं है, मैं हूं आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। यस, मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ठीक है। दोस्ती करनी है मुझसे भी और दोस्ती करनी है लॉ के सब्जेक्ट से, फिर देखो दोस्तों कहां से कहां पहुंचते हैं, सितारे भी उतर के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉ के पेपर में इंस्टीट्यूट मांगता है वर्किंग नॉलेज, चलती फिरती नॉलेज नहीं दोस्तों, हम तो एक्सपर्ट बनने आए हैं, एक्सपर्ट नॉलेज लेंगे। तो 100 नंबर का पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 100 नंबर का पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में। वन इज लॉ, अदर इज एथिक्स एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस और नॉट, लिखिए इसको। और क्लास में दोस्तों मैं सारा का सारा फ्लो चार्ट्स में काम करता हूं, सो दैट आपको पता लगे इसका लिंक इसके साथ है, इसका लिंक इसके साथ है। दोस्तों इसी बहाने सेक्शंस याद हो जाते हैं, इतने सारे लॉ पढ़ेंगे, हजारों सेक्शंस पढ़ेंगे, अगर अलग अलग सेक्शंस पढ़ते रहेंगे ना कोई याद नहीं होंगे। अच्छा बच्चों का एक फीडबैक और आता है वो बताता हूं। बच्चे बोलते हैं सर क्या सेक्शन लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, शायद सीपीटी में तो सेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, पेपर वॉज ऑब्जेक्टिव, टिक टिक टिक, इंकी पिंकी पोंकी करके काम निकल गया था, इधर मुंडी घुमा ली उधर मुंडी घुमा ली हो गया काम। लेकिन यहां पर तो पेपर सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव पेपर में लिखना पड़ेगा, तो क्या आपको सेक्शंस लिखने हैं? बिल्कुल लिखने हैं, बिल्कुल फर्क पड़ता है, उससे इंप्रूवमेंट होती है। वो सेक्शंस याद कैसे रख रहे हैं वो भी मेरा काम है, तो इसलिए सेक्शंस कोट करने चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। हाँ याद कैसे करोगे वो मैं आपको चेन के रूप में हर चैप्टर की, इसके ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे लॉ के पेपर में लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। लॉ आपका 60 मार्क्स का टॉपिक है दोस्तों, लॉ आपका 60 मार्क्स का है, एथिक्स आपका 20 मार्क्स का है और कम्युनिकेशन भी 20 मार्क्स का है। तो वैसे तो पेपर को लॉ बोला जाता है लेकिन इसमें लॉ खाली आपका 60% है, 20% एथिक्स है और 20% आपका कम्युनिकेशन है। लॉ दो हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड है, यस। एक है दोस्तों बिजनेस लॉ, जिससे मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा, और दूसरा है कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ अगेन 30 मार्क्स का टॉपिक है दोस्तों, और कंपनी लॉ भी 30 मार्क्स का है। अगर आप लोगों की मैथ्स अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए 30 + 30 + 20 + 20 100 होता है, कितनी अच्छी बात है। चलिए अच्छा दोस्तों बिजनेस लॉ में और कंपनी लॉ में क्या फर्क है? बिजनेस लॉ में 5 टाइप के लॉ पढ़ने वाले हैं, बिजनेस लॉ में 5 छोटे छोटे, टेंशन मत लो कोई टेंशन नहीं है, 5 छोटे छोटे लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से लॉ पढ़ने वाले हैं कुछ आइडिया है? मैं आपको बताता हूं। पहला है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बिजनेस लॉ का पहला टॉपिक है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। 5 लॉस पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965।
1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बताओ जी व्हाट इज बोनस। चलो जी जागो, व्हाट इज बोनस। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लखनऊ गर्ल्स, व्हाट इज योर आंसर? फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू। हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ मेहनत तो करी होगी उसके लिए, या बिल्कुल ही मुफ्त में है? यस यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर मैं बोलूं समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव योर सैलरी, जैसे जैसे बच्चा होना था एक, ट्विंस हो जाए तो वो दो हो गए, है ना, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, सोचा था एक होगा दो हो गए दो, तो दिस इज बोनस। तो ऐसे ही इंप्लॉयज भी मेहनत करते हैं, बदले में सैलरी लेके जाते हैं, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो प्रॉफिट्स भी तो बॉस के बढ़ते हैं, उस प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पैसा आप अपने इंप्लॉय को दोगे। किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये बोनस एक्ट में लिखी हुई है बातें। तो बोनस एक्ट आपको ये बताएगा, ये सारी बातें हम आगे डिटेल में करेंगे, अभी मैं क्या कर रहा हूं आपको टॉपिक्स को टच कर रहा हूं, सो दैट आपको फील आ जाए सब्जेक्ट में है क्या। सो बोनस एक्ट हमें यह बताएगा कि बोनस क्या होता है, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कोई बदमाशी कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, चोरी चकारी करता है, हरामखोर इंप्लॉई है, काम नहीं करता, एकदम निकारा है, निकम्मा है, क्या उसको बोनस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना। तो बोनस कब नहीं मिलेगा, ये बातें बोनस एक्ट में दी गई है। तो हम पढ़ेंगे बोनस एक्ट, 4 से 5 क्लास का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम करेंगे दोस्तों पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। दूसरा टॉपिक हमारे आने वाला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। चलो बताओ जी, इसमें जो अहम शब्द आता है, इसमें जो की शब्द आता है, वो आता है ग्रेच्युटी, अहम शब्द। व्हाट इज ग्रेच्युटी? बोनस तो आपने बताया समथिंग एक्स्ट्रा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिलने वाली चीज। आप ये बताइए व्हाट इज ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी, हां जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। व्हाट इज ग्रेच्युटी? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ग्रेच्युटी बताओ क्या होता है, यस और नो लिखो, पता है या नहीं पता है? ग्रेच्युटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेरी गुड। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट है, लमसम अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, एक मोटा अमाउंट है जो एम्प्लॉय को मिलता है। क्यों मिलता है? अरे यार, एम्प्लॉय ने इतने साल खून पसीने से मेहनत करी है, जाते जाते कुछ फेयरवेल के रूप में, स्कूल में भी तो फेयरवेल मिलता था, जब 12th पास किया था तो हमारे जूनियर्स ने फेयरवेल दिया था, नहीं दिया था? जब मैं, मुझे याद है अपने फेयरवेल में मैं पापा का सूट पहन के गया था, है ना, तो वही फेयरवेल इसलिए होता है कि इतने साल मार्गदर्शन किया है आपने अपने स्कूल के अंदर अपने जूनियर्स का। ऐसे ही एम्प्लॉयर बोलता है कि आपने खून पसीना बहाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब आप जा रहे हो तो ये लमसम अमाउंट हम आपको देंगे। कितना देंगे, कब देंगे, कब नहीं देंगे, किसको देंगे, ये सारी बातें कहां लिखी है? ग्रेच्युटी एक्ट। तो ग्रेच्युटी एक्ट आपको यह बताएगा वो लमसम अमाउंट फेयरवेल पर कितना मिलता है, कब मिलता है, कब नहीं मिलता। 3 क्लासेस में यह टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। एक और टॉपिक जो आएगा बिजनेस लॉ में, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952। तीसरा एक्ट दोस्तों जो हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ में, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। और इसका जो
कीवर्ड है वो है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। इसका जो कीवर्ड है दैट इज प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। इट इज लाइक अ गुल्लक, ए गुल्लक, एक पिगी बैंक जो हम घर में मेंटेन करते हैं, इफ यू रिमेंबर। तो इट इज लाइक अ गुल्लक। ये गुल्लक, फर्क ये है, एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। इस गुल्लक में पैसा आप भी डालोगे और एम्प्लॉयर भी डालेगा। तो हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉय का योगदान काट लिया जाता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट हो जाता है और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दिया जाता है। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जमा करवाता है दोस्तों, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो योगदान इस पिग्गी बैंक में जो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, दो लोग डालेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी से कट जाएगा हर महीने और एम्प्लॉयर भी डालेगा। इस पैसे को गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इस पैसे को गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि पैसा देखो अपने पास रखोगे तो बढ़ेगा नहीं ना, जेब में पैसा है या कैश इन हैंड है, उसमें ब्याज कैसे मिलेगा? रखे रखो 10 साल, 1 लाख रुपए घर में रखो, 10 साल तक रखे रखो, अंडे नहीं देगा वो पैसा, वो बढ़ेगा नहीं पैसा। तो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर मनी, द मनी इज इन्वेस्टेड विद द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट भी उसको उपयोग में लाती है और बदले में गवर्नमेंट उस पर क्या देती है? इंटरेस्ट, उस पर मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। और जब एम्प्लॉई नौकरी छोड़ता है उस टाइम पर पैसा उसमें से निकालकर एम्प्लॉय को वापस मिल जाता है। तो हम इसको बोलते हैं लमसम बैलेंस, लमसम बैलेंस एट रिटायरमेंट। तो फर्क क्या हुआ ग्रेच्युटी में और प्रोविडेंट फंड में? दोस्तों ग्रेच्युटी भी बुढ़ापे की लाठी है और प्रोविडेंट फंड भी बुढ़ापे की लाठी है। ग्रेच्युटी में आपकी सैलरी से कोई कट नहीं लगता, सारा पैसा एम्प्लॉयर ही देगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड जो बुढ़ापे की लाठी है उसमें आपकी सैलरी से कट लगता है हर महीने, और वो पैसा आप ही का है, हाँ उसमें एम्प्लॉयर ने भी जमा करवाया है, फिर वो आपको मिलता है। तो फर्क ये है, दोनों ही लमसम अमाउंट है, रेगुलर अमाउंट नहीं है, रेगुलर अमाउंट नहीं। अच्छा एक चीज और होती है दोस्तों, नॉलेज के लिए बता दूं हर चीज। अच्छा एक बात और याद रखना, क्लास को इंटरैक्टिव रखनी है मुझे, टू वे कम्युनिकेशन होता रहे, कोई भी डाउट आपको होगा तो उसको बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है डाउट्स वायरस की तरह होते हैं, एक बार सिस्टम वायरस वायरस सिस्टम में आ जाए सिस्टम करप्ट हो जाता है। आई डोंट वॉन्ट योर सिस्टम टू बी करप्ट। सो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दिस, प्लीज आस्क क्वेरीज, ऑलवेज आस्क क्वेरीज। जितनी ज्यादा उत्सुकता आपके मन में होगी उतना मुझे भी पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। सो इट इज अ टू वे प्रोसेस, इफ आई एम एक्साइटेड यू शुड बी ऑल्सो एक्साइटेड। सो मैंने बताया प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पैसे को गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट ब्याज देगी और जब हम नौकरी छोड़ेंगे हमें लमसम बैलेंस मिल जाएगा। तो हुई ना फायदे की बात, आज थोड़ा कम खा ले बुढ़ापे तो सफल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, समझे? हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा है एम्प्लॉय की सैलरी से कट हर महीने कितना जाएगा, एम्प्लॉय कैसे जमा करवाएगा, ब्याज कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, उसके नियम कायदे सारे ईपीएफ एक्ट में लिखे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ एक्ट, हम प्रोविडेंट फंड एक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ एक्ट, ईपीएफ एक्ट। समझ आई मेरी बात? तीन बातें मैंने अभी बताई आपको बिजनेस लॉ में, तीन बातें, बोनस एक्ट पढ़ेंगे, ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ेंगे। दो चैप्टर्स और है हमारे बिजनेस लॉ के, वो मैं आपको बताता हूं। ये आपने कॉपी कर लिया, ये आपके समझाने के लिए था। अच्छा एक बात और,
कई चीजें मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड पे चार्ट्स बनाऊंगा, आप चाहो तो उनको कॉपी भी कर सकते हो और चाहो तो उनको समझ भी सकते हो। जो चीज लिखवाने वाली होगी मैं बोलूंगा इसको आप कॉपी कर लो। कई चीजें होती है चेन के रूप में, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो चेन के रूप में मैं लिखवा तो दूंगा, मैं बोल दूंगा आपको, आपकी मर्जी है तो लिख लो, नहीं मर्जी है तो मत लिखो। लेकिन जो लिखने वाली बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तीन बातें तो ये हो गई। चौथा एक्ट करने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर बिजनेस लॉ में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। दोस्तों आप लोगों का बैंक बैलेंस होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें बैलेंस होगा और बैंक वाले एक चेकबुक भी इश्यू करते हैं, चेकबुक होती है, चेक काट के हमें पेमेंट करनी होती है। वो चेक होता क्या है, चेक क्रॉस करते हैं, दो लाइनें भी कभी कभी चेक पे क्रॉस कर देते हैं, चेक बाउंस कैसे होता है, और चेक बाउंस का मतलब क्या होता है, आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने चेक काट के दे दिया। जैसे आप यहां पर फीस दोगे अपने अपने सेंटर्स के अंदर, या तो नकद पेमेंट कर दो या आप चेक के थ्रू पेमेंट करोगे, और चेक में अगर खाते में पैसा नहीं है और चेक काट के दे दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब है बैंक वाले वापस कर देंगे, बोलेंगे जी खाते में तो पैसा ही नहीं है, तो क्या केस फाइल होगा, सजा मिलेगी, दंड लगेगा। ये बातें सारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताई गई है। चेक क्या होता है, चेक बनता कैसे है, चेक डिसऑनर कैसे होता है, और साथ में दो और इंस्ट्रूमेंट्स पर यह लागू होता है, और वो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपने सीपीडी में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा प्रॉमिसरी नोट। तो तीन टाइप के डॉक्यूमेंट्स, तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जिस पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होता है। क्या क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। ये बात हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1, 2 और 3। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनको पास नहीं होते तो क्या लायबिलिटी आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और खुशी की बात, पांचवा टॉपिक क्या है, खुशी की बात पांचवा टॉपिक सुन के आपकी बांछें खिल जाएंगी, यू विल फील वेरी हैप्पी। व्हाट इज दैट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों सीपीटी वाला टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। खुशी की बात यहीं तक थी, क्यों सर क्या हो गया, कभी खुशी कभी गम। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने सीपीडी पढ़ा वो तो आपने उसका हाफ पढ़ा था या 1/4 पढ़ा था, अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो आईपीसीसी में रेलेवेंट है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कौन से ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीपीडी में नहीं पढ़े, अब आईपीसीसी में पढ़ने पड़ेंगे। तो आपने 75 सेक्शंस किए थे, 75 सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीपीटी में, उसके आगे के सेक्शंस हम पढ़ेंगे आईपीसीसी के अंदर। तो ये आपके पांच हो गए बिजनेस लॉ में, क्या बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़ा सिंपल टॉपिक है, महीना डेढ़ महीने में ये हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। दूसरा अहम बात बताने वाला हूं दोस्तों, वो है हमारा कंपनी लॉ। हमारा 30 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें आती है कंपनीज एक्ट आती है कंपनी लॉ में। कंपनी सुन रखा होगा ना आपने,
कंपनी का मतलब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट है ना, ये आपका डोमिनोज पिज्जा वाले, ये जितना भी व्यापार हो रहा हिंदुस्तान के अंदर कंपनियां ही तो करती हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के मेंबर कौन होते हैं, कंपनी की मीटिंग कैसे होती है, तो ए टू जेड कंपनी का पढ़ने वाले हैं। अब एक अहम बात, कंपनीज एक्ट 1956 है एक्चुअली में, ये हमारा अब हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नया कंपनीज एक्ट पास हो गया है पिछले साल, जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। नया कंपनीज एक्ट हिंदुस्तान में पास हो गया है, यानी कि नया लॉ हिंदुस्तान में आ गया है, क्योंकि दोस्तों देखो 1956 का लॉ करीबन 50 साल से पुराना लॉ था, जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं, आजाद तो हो गया था लेकिन वहां पर सिचुएशन डिफरेंट थी, 50 साल में तो बहुत कुछ बदल गया है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कंपनी एक्ट 56 को बदलकर नया कंपनी लॉ ले आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। मई अटेम्प्ट वालों के लिए तो, मई 2014 वालों के लिए तो ये पुराने वाला ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, पुराने वाला ही एप्लीकेबल है। नवंबर वालों के लिए इंस्टीट्यूट अभी हमें क्लेरिफाई करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कि हमें नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 2014 के लिए ये वाला पढ़ना है या ये वाला ही पढ़ना है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीज क्लियर होने तक हम अपना बिजनेस लॉ कंप्लीट कर लेंगे और अपना एथिक्स और कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हमें पता लग जाएगा कि नया कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है तो वो पढ़ लेंगे, नहीं तो कंपनीज एक्ट 56 एप्लीकेबल होगा नवंबर में, वो पढ़ लेंगे। तो कंपनी लॉ की बुक आपको अभी नहीं मिलेगी, आपको दो बुक्स पहुंच जाएंगी, एक बुक मैंने आपको ये बताई बिजनेस लॉ वाली, सीधी है ना अब तो, हाँ सीधी है, ये बुक तो बिजनेस लॉ वाली मिल जाएगी और दूसरी बुक आपको मिल जाएगी एथिक्स और कम्युनिकेशन की। समझ आती है मेरी बात, चलिए एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, एथिक्स हमारा 20 नंबर का टॉपिक है, व्हाट आर एथिक्स, बताओ जी, लखनऊ के बच्चे सबसे आगे होते हैं आंसर करने में, तो लखनऊ के बच्चों से आंसर पूछता हूं, बताओ जी एथिक्स क्या है, व्हाट आर एथिक्स, ई टी एच आई सी एस, व्हाट आर एथिक्स, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, व्हाट आर एथिक्स, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, कौन बनाता है सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी या मैं, जैसे वो पर्दा होता है ना कहीं कहीं गांवों के अंदर, कहीं की जगह जो हमारी डॉटर इन लॉ होती है, डॉटर इन लॉ होती है वो पर्दा लगा के घूमती हैं अपने फादर इन लॉ के आगे, तो ये चीज आपने बनाई है अपने आप या सोसाइटी ने बनाई है, तो सोसाइटी ने बनाई है, सोसाइटी जो चीज बनाती है वो एथिक्स नहीं है दोस्तों, सोसाइटी जो नियम कायदे बनाती है उसको बोलते हैं मॉरल्स, एम ओ आर ए एल एस, सोसाइटी जो चीज बनाती है उसको बोलते हैं मॉरल्स, मॉरल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है एथिक्स, तो फर्क क्या है, एथिक्स हम बनाते हैं, मॉरल्स सोसाइटी बनाती है, हम क्या एथिक्स बनाते हैं दोस्तों, एग्जाम में कभी फर्रे रखे हैं, फर्रे रखे एग्जाम में, मैंने तो बहुत रखे हैं, हाँ सीए के एग्जाम में कभी नहीं रखे, दिस आई कैन गारंटी कि मुझे बड़ा डर लगता था, तो स्कूल में मैं वो जो जीवनियां होती थी ना हिंदी की मुझे रटी जाती नहीं थी, क्योंकि मेरे से बचपन से बड़ी प्रॉब्लम है, कोई चीज मैं रट नहीं सकता, हर चीज को मैं समझता हूं, तो जहां रटने की बात होती थी मैं फर्रे रख लेता उस चीज के, तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात है या गंदी बात है दोस्तों, बल जल्दी बताओ, इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इज इट अ बैड थिंग, यस इट इज अ बैड थिंग, तो इट इज अनएथिकल, एथिकल गुड थिंग, अनएथिकल बैड थिंग, दोस्तों मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोला, मेरा नाम भी सचिन है तो मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये मेरे लिए एथिकल है क्योंकि मुझे अच्छी बात, कोई लोग झूठ बोलते हैं वो गलत बात है, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूं,
ये एथिकल है, नहीं करता अनएथिकल है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स है सिद्धांत असूल जो आप खुद फॉलो करते हो। एथिक्स है सिद्धांत असूल जो आप खुद फॉलो करते हो। एथिक्स व्यक्तिगत तौर से भी फॉलो करते हैं और बिजनेस में भी फॉलो करते हैं। व्यापार करते टाइम पर क्लाइंट हमारा भगवान होता है, होता ना कहीं दुकानों के बाहर लिखा होता है ग्राहक हमारा भगवान है, तो वहां पर ग्राहक को चीट नहीं करना, सही प्राइस पे माल बेचना है ना। एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं आजकल, फेयर एंड लवली के आते हैं या कोई फेयरनेस क्रीम के आते हैं, बोलते इसको लगा लो तो गोरे हो जाओगे। तो भैया भैंस को लगा लो ना गाय बन जाएगी। तो ये क्या है, ये एड्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ झूठ है कुछ सच है। एक बार मैं टीवी देख रहा था, नींद आ नहीं रही थी, करीबन 1-1.30 बजे उठा, टीवी खोला तो उसमें आ रहा था स्लिमिंग टी, ये चाय पीने से पतले हो जाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया भैया, जो मोटे लोग हैं उनको चाय पिलाओ पतले हो जाए, और जो पतले हैं उनको क्या करें भाई। तो कहने का मतलब ये एडवर्टीजमेंट अनएथिकल है या एथिकल है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी, आपको देखना है ऐसा ऐड करना है ऐसा ऐड नहीं करना। 5 रुपए के काम के आप 50 रुपए अपने कस्टमर से लेते हो, अनएथिकल है। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स के सिलेबस में। तो एथिक्स है असूल, एथिक्स है सिद्धांत, एथिक्स है प्रिंसिपल्स जो हम अपने आप बनाते हैं, सोसाइटी नहीं बनाती। समझ आई मेरी बात, हाँ या ना? चलिए, और तीसरा है हमारा टॉपिक 20 नंबर का कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे द चाइल्ड इज बॉर्न, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे द चाइल्ड इज बॉर्न एंड इट एंड्स द डे वी डाई। बिल्कुल चलता रहता है, मैं 1.5 घंटे या 1 घंटे से बकबक ही तो कर रहा हूं, कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूं। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लिखकर करते हैं, आई एम राइटिंग, बोलकर करते हैं, और इशारे ही इशारों में, वो क्या गाना था वो, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना। तो वो आंख से भी कम्युनिकेट करते, स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर होता नहीं है कितना कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे करते रहते, वो आंखों से एक इशारे आप कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन ही तो है ना। तो कम्युनिकेशन ये, अच्छा इसका क्या मतलब है, चलो मैं ऐसा किया इसका क्या मतलब है बताओ, आई वॉन्ट द आंसर। लखनऊ गर्ल्स, लखनऊ स्टूडेंट्स आउट है, नहीं सबका मालिक एक, तो मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। आपके दिमाग में आया आउट है और मेरा आया सबका मालिक एक, है ना। तो कम्युनिकेशन ऐसे भी होता है, तो किसी के आप गाल पे तबाच मारो, ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है उसकी पिटाई, किसी के कंधे पे ऐसे करो, किसी के गाल पे ऐसे करो, ये भी तो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से, आंखों से, हेड से, पैर से। हाँ किसी के बाल स्पाइकी होते हैं, आजकल बच्चे बनाते हैं स्पाइकी लुक, मैंने भी ट्राई किया था बने नहीं ढंग से, स्पाइकी लुक है। मेरी वाइफ कह रही थी कि सर आप थोड़ा सा स्पाइकी लुक बनाया करो अच्छा लगेगा, मैंने कहा भैया ये काम मुझसे होते नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मुझे ले गई थी वो नाइकी की दुकान पे, बोलता काट दो इनके बाल, मैंने कहा चलो भैया हम तो हर एक की बात मानते हैं, घर पे बीबी की बात मानते हैं, बच्चों की, आई हैव गॉट वन डॉटर तो उसकी बात मानता हूं, यहां पर आपकी बात मानता हूं, अपनी तो चलती नहीं ना कहीं, चलो फिर भी निकल रहा है बढ़िया है। सो कम्युनिकेशन हेयर स्टाइल से भी हो सकता है, बड़ा इजी टॉपिक है दोस्तों 20 नंबर का। तो ये 20 नंबर का टॉपिक एथिक्स और कम्युनिकेशन, 20 नंबर का, 40 नंबर का आपका पेपर ये है। तो हुआ ना मजेदार 100 नंबर की मिक्सचर, समझ आई मेरी बात। अब एक अहम बात, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, कंपलसरी क्वेश्चन कौन सा होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन कौन सा होता है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये चीज देख लेते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं पेपर पैटर्न ऑफ आईपीसीसी लॉ, ये ब्रेकअप दिया मैंने आपको, लिख रहे हो ना, अब मैं आपको बताने वाला हूं पेपर पैटर्न। टोटल 7 क्वेश्चंस, बस
सात क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर वन आपका कंपल्सरी होता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। टेंशन मत लो, सब पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। कभी सब पार्ट तीन होंगे, कभी क्वेश्चन नंबर वन के चार सब पार्ट्स होंगे, तो अलग अलग हिस्सों में क्वेश्चन नंबर वन डिवाइडेड होता है। एक टॉपिक एथिक्स का आ गया, एक टॉपिक कम्युनिकेशन का आ गया, एक बिजनेस लॉ का आ गया या कंपनी लॉ का आ गया, इस टाइप से ब्रेकअप होता है। लेकिन अटेम्प्ट करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते, छोड़ दिया तो 20 नंबर सफा चट। क्वेश्चन नंबर टू से क्वेश्चन नंबर सेवन, टोटल सिक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन, टोटल सिक्स क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स ईच। अगेन रिपीटिंग, 16 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 16 का नहीं, चार क्वेश्चन चार चार नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया, दो क्वेश्चन चार चार के हो गए, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम, मरे से मरा 8 नंबर का मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। हमारे टाइम तो 2001 से पहले की बात बताऊं, 16-16 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लिखते लिखते हाथ टूट जाते थे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने सोचा है इतने लंबे लंबे लेंथ की आवश्यकता नहीं है, 8 नंबर के लिए काफी है। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस वो मेरा जिम्मा है। इस टोटल 6 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, अटेम्प्ट एनी 5, थिंक 6 क्वेश्चंस में 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर वन 20 मार्क्स प्लस क्वेश्चन नंबर टू से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 16 नंबर के, ये हो गया 20 नंबर का, 80 ये हो गया, ये हो गया टोटल 100। अच्छा, ये पैटर्न वैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी लागू होता है, चाहे वो टैक्स हो, कॉस्टिंग एफएम हो या वो अकाउंट्स हो, फिर भी वो आपके टीचर्स आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, मैं तो लॉ के बारे में आपको भी बता रहा हूं। तो टोटल 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर टू से क्वेश्चन नंबर सेवन 6 क्वेश्चन है 16 नंबर के, 16 में से हर क्वेश्चन 16 का है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5, तो 16 × 5 = 80 एंड 80 + 20 = 100। सो टोटालिटी में इट इज 100 मार्क्स पेपर। समझ आई मेरी बात आपको? कॉपी कर लिया इसको, ब्रेकअप को और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को। और जो हमारा मॉक टेस्ट होगा ना, और जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे या जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो इसी पैटर्न पे चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर भी रह चुका हूं जब मैं सीए बना था, उसके बाद 2-3 साल मैंने पेपर चेक किए हैं और मुझे पता है बच्चे गलती कहां करते हैं और इंस्टीट्यूट हमसे क्या मांगता है, एज अ स्टूडेंट हमसे क्या मांगता है। तो आई नो वट इज एक्सपेक्टेशन एंड वट यू डू, तो जो दोनों के बीच में जो गैप है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सो आई विल इंप्रूव योर स्किल्स, राइट। चलिए, अब हम लॉ पढ़ने से पहले, लॉ तो पढ़ेंगे थोड़ा आज, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, श्री गणेश हमने किया है, थोड़ा लॉ का प्रसाद तो चखेंगे, चखना चाहोगे ना। लेकिन उससे पहले लॉ को पढ़ने के लिए या लॉ को समझने के लिए कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। लॉ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। वो रूल्स थोड़ा मैं बताऊं, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ेंगे ना आगे वाली क्लासेस से फुल फोर्स से, तो उसमें वो रूल्स यूज होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, वो रूल याद है आपको, वो फलाना रूल, आप बोलोगे हाँ सर याद आ गया। तो इसलिए आज की क्लास में हम थोड़ा लॉ चखेंगे, लेकिन उससे पहले लॉ के जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो बहुत अनिवार्य है ना। कोई भी कोई नया मोबाइल खरीदते हो, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यू परचेज, देयर इज अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल अलोंग विद द गैजेट। तो वी रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल टू नो
वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा कैसे। अदरवाइज इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पता तो आप तो हो सकता दुर्घटना घटा दोगे उस गैजेट के साथ। सो अब मैं आपको थोड़ा सा मजेदार बात बता रहा हूं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की, जो हमने कभी दिमाग में लगाई भी नहीं, सीएसीपीटी में तो पढ़ा भी नहीं। अच्छा एक बात और, आप लोगों ने सीपीटी क्लियर किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके लिए मेरी आपको बधाई हो, ये भी बधाई के पात्र हो आप। चाहे वो पेपर आईपीसी से इजी होता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम तो एग्जाम ही होता है, पसीने छूट जाते हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाइयां। सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैं आपको एक केस स्टडी लिखकर दे रहा हूं, केस स्टडी एक केस लिखकर दे रहा हूं, आपको मुझे बताना होगा, मल्टी चॉइस आंसर्स भी दूंगा, वैसे हमारे एग्जाम में मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं आपकी लॉ की नॉलेज कितनी है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच नॉलेज ऑफ लॉ डू यू हैव। तो केस स्टडी दे रहा हूं, तैयार हो जाओ, कमर कस लो और आंसर आप देना मुझे, ठीक है। केस स्टडी क्या है, सेक्शन में लिखा है, मान लीजिए कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट है। अच्छा एक बताओ, लॉ में, इस चीज को समझने से पहले, लॉ में और एक्ट में क्या फर्क है ये बताओ। चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। मैंने बोला ना बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, तो बिजनेस लॉ में 5 एक्ट के नाम गिनवा दिए, बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बताओ लॉ में और एक्ट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट। चलो स्टार्ट हो जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट। वेटिंग फॉर द आंसर, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट। दूसरे सेंटर वाले आप बताओ, कोलकाता सेंटर, अच्छा लखनऊ सेंटर का आंसर आया मेरे पास, स्पेसिफिक होता है एज कंपेयर टू लॉ। अच्छा एक्ट स्पेसिफिक होता है, यू आर सेइंग एक्ट इज स्पेसिफिक और लॉ इज जनरल। मेरे पास कोलकाता सेंटर का भी आंसर आ रहा है, बोल रहे हैं जी लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा उनके हिसाब से लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, और कोलकाता सेंटर एक्ट क्या होता है, और एक्ट बता रहे हैं जी उस रूल रैंक सेंटर्स को इन्फोर्स करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। यस दोनों ही अपनी तरफ से सही है, लखनऊ सेंटर भी और कोलकाता सेंटर भी। लॉ इज जनरल, लॉ हर जगह है, लेकिन उस लॉ को लागू करने के लिए, लोगों पर चिपकाने के लिए एक्ट बनानी पड़ती है। तो अगर बिजनेस लॉ है तो बिजनेस एक्ट होगी, कंपनी लॉ है कंपनीज एक्ट होगी, कंपनी लॉ है कंपनीज एक्ट होगी, बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप लॉ कहां है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अगर मैं बोलूं जी इनकम टैक्स का लॉ कहां है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन के पीछे एक्ट होती है, अगर एक्ट नहीं है तो वो लॉ हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दोनों का आंसर बहुत बढ़िया था। तो मैं ये बोल सकता लॉ जनरल है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर, वेयर एज एक्ट इज स्पेसिफिक एंड नैरोवर, वेयर एज लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे, और उन नियम कायदे को लागू करने के लिए एक्ट बनाई जाती है। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको पता है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। तो एटलीस्ट यू हैव सम नॉलेज अबाउट लॉ एंड एन एक्ट। तो हर लॉ के पीछे क्या है, एक्ट है। एक क्वेश्चन और पूछूं, चलो अब जब बात छिड़ी गई है तो गंगा जी में डुबकी लगा लें। डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल, अभी आपने मुझे डिफरेंस बताया लॉ और एक्ट में, लॉ को लागू करने के लिए एक्ट बनानी पड़ेगी, एक्ट में और बिल में। हां जी दिल्ली सेंटर, आपका आंसर आना चाहिए फटाफट,
आपने क्या कहा, एक्ट ब्रॉडर है, बिल नैरोअर है? नो नो नो. हां जी, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड अ बिल. हां जी, लखनऊ सेंटर स्टार्ट हो जाइए. नो आइडिया. आपको मैं तरीका बताता हूं. बहुत अच्छी बात, मुझे लग रहा था कि आप चीज आप लोगों को पता है. अच्छा देखिए, लॉ चाहिए. अच्छा, हिंदुस्तान में ना एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाता हूं. शायद आप टीवी अगर देखते हो तो लास्ट के एक साल से दिल्ली में बड़ा अनशन हुआ था. अगर आप लोग टीवी देखते हो, अन्ना हजारे का नाम सुन रखा हो आप लोगों ने, तो दिल्ली में लोकपाल को लेकर, लोकपाल जो करप्शन को दूर करने का एक बॉडी है, लोकपाल को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था कि हिंदुस्तान में लोकपाल का कायदा, नियम कायदा आना चाहिए. उसके लिए अन्ना हजारे और ये सब लोगों ने धरना दिया था और कह रहे थे कि लोकपाल का एक्ट होनी चाहिए, लोकपाल का कानून बनना चाहिए. दोस्तों, कानून तो जब बनेगा ना. अच्छा, कानून वर्बल होता है, ओरल होता है या रिटर्न होता है? रिटर्न होता है ना. तो ये याद रखना, जो एक्ट होती है हमेशा रिटर्न होती है. एक्ट होती है ऑलवेज रिटर्न. एक्ट इज ऑलवेज रिटर्न, लिखा हुआ होता है, बोला हुआ नहीं होता. बोलने की बात को मत मानना. कल गवर्नमेंट कहे जी फलाना फलाना लॉ है, हमने लिखा नहीं है, बोल रहे हैं, आप फॉलो मत करना. तो लॉ इज ऑलवेज रिटर्न. लेकिन लिखने का कोई प्रॉपर प्रोसेस होगा ना. आपके हाथ पे लिख दें क्या, या पेड़ की टहनी पे लिख दें, या किसी दीवार पर लिख दें? भैया, लिखने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तो होगा. अब जब एक्ट बनानी है, पहले बिल लाया जाता है. बिल क्या होता है? उसका परफॉर्मा. बिल क्या होता है? परफॉर्मा. परफॉर्मा का मान लो एक तरीके से रफ, एक गाइडलाइंस होती है कि इस तरीके से लॉ हमें लाना है. जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है ना, उसका नींव डाली जाती है, बिना नक्शे के तो नहीं हो सकता. तो इसीलिए बिल के लिए एक परफॉर्मा बनाया जाता है. परफॉर्मा का मतलब होता है एक रफ. बिल को लोकसभा में डिस्कशन के लिए रखा जाता है. लोकसभा बिल को पेश किया जाता है. और लोकपाल के साथ भी ऐसे ही हुआ. तो लोकपाल का कानून लाना था, लोकपाल का बिल, बिल का मतलब परफॉर्मा, पेश किया गया कहां पर? लोकसभा. लोकसभा में बहुत डिस्कशन होती है, बहुत फाइटिंग होती है. समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग अपने वोट बैंक्स होते हैं, वो झगड़ते हैं. लेकिन वो झगड़ा एक अच्छा प्रोसेस भी है, कहीं ना कहीं दूसरों के ओपिनियन भी तो आते हैं. तो हम ये बोले कि खाली वो झगड़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओपिनियंस मिलती हैं. अलग अलग लोगों की अलग अलग पार्टीज हैं, तो उसे ओपिनियन मिलती है, दैट्स अ गुड थिंग. लोकसभा में डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग पास होने के बाद उसको भेजा जाता है राज्यसभा. वोटिंग के बाद उसको भेजा जाता है बिल को. मैं क्या बोल रहा हूं, बिल. मैंने क्या बोला, लॉ बनाना है, एक्ट होनी चाहिए. एक्ट बनानी है, बिल होना चाहिए. बिल को लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में भी डिस्कशन होती है, यहां पर भी वोटिंग होती है, और फिर राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. प्रेसिडेंट का नाम तो पता है ना दोस्तों, हमारे माननीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर इतना बच्चा मत समझो, इतनी नॉलेज है. हां जी, कौन है? ओबामा प्रेसिडेंट? नहीं, ओबामा तो यूएस का प्रेसिडेंट है, इंडिया का श्री प्रणब मुखर्जी. मैं अपनी डॉटर को आजकल यही सिखा रहा हूं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है. तो वही काम मैं आपको समझा रहा हूं, इंडिया का प्रेसिडेंट है श्री प्रणब मुखर्जी. क्या बात है, आप लोगों ने कह दिया. प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगा, साइन करेगा. बिल पर प्रेसिडेंट साइन करेगा. जैसे ही जिस दिन बिल पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बिल की समाप्ति हो जाती है. बिल की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो समाप्त हो जाती है और बिल बन जाता है
एक्ट। तो यानी कि हर एक्ट को पास करने के लिए, हर एक्ट को बनाने के लिए ये जर्नी हुई होगी। पहले लोकसभा में रखा गया होगा, राज्यसभा में रखा गया होगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा गया होगा और एक्ट बन गई होगी। ऐसे बोनस में हुआ, ऐसे ग्रेच्युटी एक्ट में हुआ, ऐसे प्रोविडेंट फंड एक्ट में हुआ, ऐसे ही नेगोशिएबल में है, ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में है। जितनी भी एक्ट्स हैं हमारी जो केंद्रीय सरकार की हैं, लॉ तो वैसे दो लोग बनाते हैं, केंद्रीय सरकार भी राज्य सरकार भी। जैसे लखनऊ यूपी में आता है तो आपके अखिलेश यादव जी वहां पर लॉ बनाएंगे। कोलकाता सेंटर वालों के लिए ममता दीदी जी हैं आपकी, ममता दीदी जी बनाएंगी लॉ। दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब हैं, वो लॉ बनाएंगे। वो तो अपनी अपने प्रदेश के लिए बनाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, दोस्तों वो तो पूरे देश के लिए लागू होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ का ये प्रक्रिया है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे लॉ बनाती है उसके लिए वो भी बिल लेके आते हैं। तो आपकी यूपी में कोई लॉ बनना है ना, तो वो अखिलेश यादव जी बिल लेके आएंगे। स्टेट की असेंबली होती है, सेंटर में पार्लियामेंट होता है, स्टेट में असेंबली होती है। स्कूल की असेंबली नहीं है जो मन नहीं करता था अटेंड करने का, स्कूल की असेंबली की बात नहीं कर रहा, स्टेट असेंबली होती है। फिर वहां पर बिल को पास करते हैं और गवर्नर को भेजते हैं। गवर्नर सेंटर में प्रेसिडेंट क्या भेजा जाता है, स्टेट का गवर्नर क्या भेजा जाता है, और गवर्नर साइन कर देता है तो वो एक्ट स्टेट के लिए बन जाती है। कानून दो ही लोग बना सकते हैं, कानून दो लोग बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए और स्टेट गवर्नमेंट प्रदेश के लिए, प्रदेश के लिए। ठीक है, अब समझ आ गया बिल और एक्ट का फर्क। तो मैं क्या बोलता हूं, बिजनेस लॉ तो पीछे एक्ट होगी और एक्ट के पीछे बिल पक्का होगा। बिना बिल को लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट साइन किए वो एक्ट नहीं बनता। तो आई होप डिस्कशन अब आपके दिमाग में और क्लैरिटी आई होगी। बिल से बनता है एक्ट और एक्ट, और ये कौन बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे सोते हुए, ये कौन सा सेंटर है, यहां पर कौन सो रहा है, ये देखो मुंह ऊपर करके, इनका नाम क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है, हमारे स्टूडेंट है। हाँ जी, हु इज दिस, उनको जगाओ थोड़ा, ये कोऑर्डिनेटर साहब है हमारे या स्टूडेंट है बताना जरा एक बार, कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, आप ऐसा मत करिए, आप भी सोओगे तो बच्चों को क्या लगेगा, तो आप भी समझो हम आपको भी लॉ पढ़ा देते हैं थोड़ा। तपन क्या नाम है, तपन, तपन जी नमस्कार, जय जय राम। ओहो आप मोबाइल यूज कर रहे हो अब तो बच्चे तपन जी अब गायब हो गए हैं। चलिए समझ आई मेरी बात, तो मैं आप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूं, लॉ एक्ट बिल हमें समझ आया। वैसे नींद बड़ी अच्छी होती है ना सर्दियों के अंदर, बड़ी अच्छी नींद आती है मूंगफली खाते हुए। सो सेक्शन में लिखा है किसी भी एक्ट के, एक डमी एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है, कार, ट्रक, ट्रैक्टर एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल। दोस्तों एक्ट में लिखा हुआ है कार, ट्रक, ट्रैक्टर एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल। आपको इंटरप्रेट करना है किसका मीनिंग, आपको इंटरप्रेट करना है मोटर पावर्ड व्हीकल का मीनिंग। आपको हम बताना है कि इस मोटर पावर्ड व्हीकल में क्या आएगा, ऑप्शन भी दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं आपको बताना। ऑप्शन वन में एरोप्लेन आएगा इसके अंदर, मोटर पावर्ड व्हीकल में एरोप्लेन, हवाई जहाज। ऑप्शन टू इसमें शिप आएगी। ऑप्शन थ्री इसमें स्कूटर आएगा। और ऑप्शन फोर इसमें रिक्शा आएगी। आपके पास चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की लॉ की पकड़ कितनी है। हां जी देखो दोबारा रिपीट करता हूं, एक सेक्शन है किसी भी लॉ का, ये डमी एग्जांपल है, नकली हाइपोथेटिकल काल्पनिक एज्यूम कर रहा है,
कार, ट्रक, ट्रैक्टर एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल. ऑप्शन वन मोटर पावर्ड व्हीकल में एरोप्लेन आएगा, शिप आएगा, स्कूटर आएगा, रिक्शा आएगी. आप बताओ. चलो वेटिंग फॉर द आंसर. हां जी, कोलकाता सेंटर ने आंसर दिया है रिक्शा. ऑप्शन फोर कोलकाता. दिल्ली सेंटर का आंसर आ गया शिप. अरे क्या आंसर दे रहे हो भैया. हां जी हां, लखनऊ सेंटर कह रहा है ऑप्शन थ्री स्कूटर. एंड यस, लखनऊ सेंटर यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा, स्कूटर आएगा. यानी कि लॉ की कुछ पकड़ तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है. अब इसमें रिक्शा क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भैया मोटर पावर्ड व्हीकल लिखा है. मोटर पावर्ड, रिक्शा में मोटर लगती है क्या? हाँ मोटर है तुम्हारे पैर, ऐसे ऐसे चला जा रहे हो उसको, उसमें कोई मोटर नहीं है तो रिक्शा तो नहीं आ सकता. लेकिन मोटर एरोप्लेन में भी लगती है. हाँ, वो हाँ, वो पानी, वो कागज वाला एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, उसमें कोई मोटर नहीं है. शिप पे भी मोटर लगती है और स्कूटर पे भी मोटर लगती है, तो तीनों में से तीनों में मोटर है. दोस्तों ये जो रूल है, जो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इस रूल के नाम मैं आपको बता रहा हूं, और रूल का नाम है रूल ऑफ एसुदम जेनेरिस. इस रूल का नाम है रूल ऑफ एसुदम जेनेरिस. इस रूल के हिसाब से अगर, वैसे इसका रियल मीनिंग है सेम काइंड, सेम काइंड. इस रूल के हिसाब से अगर 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 जनरल शब्द, ये जनरल है, मोटर पावर व्हीकल स्पेसिफिक शब्द नहीं है. स्पेसिफिक है कार, स्पेसिफिक है ट्रक, स्पेसिफिक है ट्रैक्टर, अदर मोटर पावर व्हीकल है, ये जनरल शब्द है, जनरल, दिस इज जनरल. और ये तीनों शब्द कार, ट्रक और ट्रैक्टर स्पेसिफिक है. तो ये जनरल शब्द का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से आएगा, ये जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से आएगा. और तीनों में खासियत क्या है, कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, ये हवा में नहीं चलते, सड़क पे चलते हैं. तो सड़क पे ना एरोप्लेन चलता है, ना शिप चलती है, रिक्शा तो चलती है लेकिन मोटर पावर्ड तो नहीं है, स्कूटर है, मोटर पावर्ड भी है और सड़क पे भी चलती है. तो आगे मैं कई बोलूंगा ना, रूल ऑफ एसुदम जेनेरिस लगाओ, आप समझ जाओगे कि जो जनरल शब्द सचिन सर ने बोला है वो आगे वाले शब्दों से जो स्पेसिफिक है उससे मीनिंग डिराइव करना है. तो ये लिख लीजिएगा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हेडिंग डालिएगा और उसमें पॉइंट नंबर वन लिखिएगा. हेडिंग डालिएगा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसे पॉइंट नंबर वन लिखिएगा रूल ऑफ एसुदम जेनेरिस. ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, एसुदम जेनेरिस लैटिन शब्द है, लैटिन, एल ए टी आई एन, लैटिन वर्ड है, दिस इज अ लैटिन वर्ड. कभी आपने नोटिस किया लॉ के अंदर लैटिन वर्ड्स बहुत यूज किए जाते हैं. दोस्तों लैटिन रोम की लैंग्वेज है, रोम की जो कंट्री थी या रोम जो साम्राज्य था, करीब बहुत सालों की बात है, पूरे वर्ल्ड में रोम का नाम होता था. तो उनकी लैंग्वेज उतनी डेवलप थी लॉ की उस टाइम पर, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, वो अभी तक उनकी शब्द हम यूज करते हैं अपने लॉ के अंदर. तो ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है जो रोम की लैंग्वेज है. जैसे हिंदुस्तान की लैंग्वेज हिंदी है ना, यूएस की लैंग्वेज इंग्लिश है, ऐसे रोम की लैंग्वेज लैटिन है और लैटिन की लैंग्वेज बहुत डेवलप थी लॉ के मामले में उस टाइम पर, तो इसलिए उनके शब्द अभी तक यूज किए जाते हैं. सो लिखिएगा पॉइंट नंबर वन में रूल ऑफ एसुदम जेनेरिस, इट मीन्स ऑफ सेम काइंड, इट मीन्स ऑफ सेम काइंड, इट मीन्स ऑफ सेम काइंड. आगे लिखिए इफ जनरल वर्ड्स आर यूज्ड, इफ जनरल वर्ड्स आर यूज्ड After specific words, if general words are used after specific words,
इफ जनरल वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड्स कॉमा द जनरल वर्ड कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस अब आगे बढ़ रहा है. द जनरल वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग, द जनरल वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स. द जनरल वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड. द जनरल वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ये तो एग्जाम्पल आपको बताया. लिखिए फॉर एग्जाम्पल कैट, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, सी ए टी कैट, कैट कॉमा डॉग, डी ओ जी डॉग कुत्ता, कैट कॉमा डॉग एंड अदर एनिमल्स, कैट कॉमा डॉग एंड अदर एनिमल्स. अब आगे लिखिए अप्लाइंग दिस रूल कौन सा रूल, एसदम जेनेरिस, इस अदर एनिमल्स में शेर तो नहीं आएगा, चीता तो नहीं आएगा, हाथी तो नहीं आएगा, इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे जो कैट और डॉग की तरह हैं, जो पालतू हैं, पेट आ जाएंगे उसके अंदर, है ना. तो पालतू में कोई खर रैबिट आ सकता है, उसको आप पालतू बना सकते हो, उसमें आपकी हेन आ सकती है वो पालतू है, चूहा आ सकता है वो, कई कई लोग उसको भी पाल लेते हैं, तो पालतू एनिमल्स बर्ड्स आ जाएंगे उसके अंदर. तो उसके अंदर कोई बड़े जंगली जानवर तो नहीं आएंगे, घर में शेर को तो नहीं रखोगे ना, हाथी को तो नहीं रखोगे. तो लिखिए अप्लाइंग दिस अबव रूल अदर एनिमल्स विल ओनली इंक्लूड, अदर एनिमल्स विल ओनली इंक्लूड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अदर एनिमल्स विल इंक्लूड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब जिनको घर में डोमेस्टिक घर में यूज कर सकते हो या घर में रख सकते हो, विल इंक्लूड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. समझ आई मेरी बात, बहुत बढ़िया. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को ये रूल के बारे में पता तो था लेकिन लीगल लैंग्वेज क्या है वो नहीं पता था. तो एसिदम जेनेरिस का मतलब हो गया सेम काइंड, स्पेसिफिक वर्ड के बाद जनरल वर्ड आएगा, तो जनरल वर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है स्पेसिफिक वर्ड्स पे. चलिए एक और केस स्टडी करते हैं. दोस्तों एक सेक्शन है उसमें क्या लिखा है, इट वॉज एन ऑफेंस टू सेल और हायर और मैन्युफैक्चर अ फ्लिक नाइफ, इट वॉज एन ऑफेंस टू मैन्युफैक्चर सेल और हायर अ फ्लिक नाइफ. डिफेंडेंट हैड अ शॉप, डिफेंडेंट हैड अ शॉप whose window display had a flick knife. अभी मैं आपको केस स्टडी समझाता हूं, आपको आंसर करना पड़ेगा. आंसर में दो ऑप्शन दे रहा हूं, गिल्टी ऑफ ऑफेंस और नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस. मैंने आपको जज बनाना है, पहले आप ये लिख लेंगे फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाने वाला हूं. जल्दी से पहले आप इसको लिख लो.
हाँ जी, इट वॉज एन ऑफेंस. ऑफेंस का मतलब होता है जुल्म है, गलती है. सेल का मतलब बेचना, हायर का मतलब किराए पे देना, और मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना. फ्लिक नाइफ, फ्लिक नाइफ होती है वो रामपुर या चक्कू होता है ना, बटन दबाओ और शान पत्ती मत कर ज्यादा, ऐसे वाली जो चक्कू होता है. ऐसी एक डमी एग्जाम्पल है ये. तो क्या लिखा है लॉ में कि अगर आप बेचते हो, किराए पे देते हो या बनाते हो फ्लिक नाइफ, तुम्हें गिल्टी हो, तुम्हारे अगेंस्ट जेल होगा, फाइन होगा. यहां पर लिखे डिफेंडेंट. दोस्तों डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है? जब भी केस फाइल होता है ना, केस फाइल करते हो किसी के अगेंस्ट, जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं एपिलेंट. जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं एपिलेंट. अपील, जो अपील कर रहा है ना, जो केस फाइल कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, क्योंकि वो अपने आप को बचाएगा. डिफेंस, द पर्सन फाइलिंग द केस इज नोन एज एपिलेंट, एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम केस इज फाइल्ड इज नोन एज डिफेंडेंट. तो मैं के बीच में बोला करूंगा ना, एपिलेंट डिफेंडेंट, आप समझ जाना. एपिलेंट है तो अपील इसने फाइल करी है, केस इसने फाइल किया है, और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है. तो देखिए जी, तो एक बेचारे हमारे रामलाल साहब की दुकान थी, दुकान के अंदर वो शीशे का आगे लगा हुआ था ना डिस्प्ले, उसने फ्लिक नाइफ रामपुर या चक्कू रखा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. बेचारे को अपने जवाब में आंसर देना है. आप ये बताओ, आप हो जज, आप बन जाओ जज, आप बताओ हमारे रामलाल साहब जिसकी दुकान में डिस्प्ले में वो रामपुरिया चक्कू रखा हुआ था, गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, आप बताइए. चलो जी बताओ, हमारे रामलाल साहब गिल्टी है इस लॉ के जिसमें लिखा है ये ऑफेंस है, नॉट गिल्टी. वेरी गुड, लखनऊ का आंसर आया दोबारा से, नॉट गिल्टी. यस, योर आंसर इज राइट. क्यों? क्योंकि दोस्तों लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, बेचोगे, किराए पे दोगे, मैन्युफैक्चर करोगे. मैंने दुकान में रखा हुआ है, मैं बेच नहीं रहा हूं. गलती मेरी कब होती, आप दुकान में आते और बोलते ये चक्कू कितने का है, मैं बोलता 50 रुपए का, और फिर मैं आपको बेच देता. तो खाली रखना गलती नहीं है, बेचना गलती है. तो ये लॉ जिसका आंसर भी आपने दे दिया, इसको बता लॉ को क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? इसको बोलते हैं हम लिटरल रूल. इसको बोलते हैं, मैं लिखवाऊंगा अभी, आपको कुछ समझना है खाली, जब लिखने की बात होगी आई विल मेक यू राइट. अभी खाली समझो, समझने के टाइम लिखने लग जाओगे ना तो दिमाग आपका लिखने में रह जाएगा. तो जब लिखने की बात होगी मैं बोलूंगा. इसको बोलते हैं हम लिटरल रूल. लिटरल रूल का मतलब जो लिखा है वो ही फॉलो करना है, अपनी मर्जी से ना शब्द डालने हैं, अपनी मर्जी से ना शब्द निकालने हैं. तो वट एवर इज रिटन फॉलो दैट, दिस इज द इंटेंशन ऑफ द लॉ. तो क्या लिखा था, बेच नहीं सकते, किराए पे नहीं दे सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. आपने तो खाली डिस्प्ले किया है ना भैया, तो डिस्प्ले करना गलती का है, इसलिए नॉट गिल्टी. वेरी गुड, आई क्लैप फॉर यू. चलिए लिखिए सेकेंड रूल, लिटरल रूल. सेकेंड रूल लिटरल रूल. एज पर दिस रूल वर्ड्स इन द एक्ट, एज पर दिस रूल वर्ड्स इन द एक्ट have to be given ordinary meaning. Words in the act have to be given ordinary meaning. Ordinary meaning देना है, कोई special meaning मत डाल दो उसके अंदर, कोई special बातें add नहीं करो, subtract नहीं करो. Have to be given ordinary meaning. For example, अब आप ये example copy कर सकते हो. For example,
इट वॉज एन ऑफेंस टू सेल और या करके डिफेंडेंट करके, और आंसर मैं आपको नीचे लिखवा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल करके, और इसका आंसर क्या होगा, द शॉपकीपर वॉज हेल्ड नॉट गिल्टी एज ही वॉज मियरली डिस्प्लेइंग दी फ्लिक नाइफ. लिटरल रूल. तो ये आप केस स्टडी कॉपी कर लीजिए और आप ये करिए. तो एग्जाम इस टाइप की रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं बीच में बोलूंगा लिटरल रूल लगाओ किसी लॉ में, तो आप समझ जाओगे सर जो लिखा है वही है, इसके अलावा लेफ्ट राइट नहीं करना. ये कॉपी कर लो फटाफट. तो हमने एक रूल किया एसदम जेनेरिस, जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड. दूसरा रूल किया लिटरल रूल. एक और केस स्टडी करते हैं. लेट अस सी, अभी तक तो आंसर आ रहे सही. लेट अस सी. दोस्तों लॉ के एक सेक्शन में लिखा था, इट वॉज या इट इज एन ऑफेंस टू बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ अ प्रोहिबिटेड प्लेस. अभी लिख लो, इट इज एन ऑफेंस टू बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ अ प्रोहिबिटेड प्लेस. डिफेंडेंट वॉज एक्चुअली इन द प्रोहिबिटेड प्लेस इंस्टेड ऑफ विसिनिटी. अब आपको यह बताना है, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी. आंसर में ए गिल्टी और बी नॉट गिल्टी. अब देखते हैं जी लॉ कैसे इंटरप्रेट करते हो. अभी तक तो बहुत इजी बातें थी ना. पहले आप समझा दूं मैं, यह इसका मतलब क्या है. इट इज एन ऑफेंस टू बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ अ प्रोहिबिटेड प्लेस. डिफेंडेंट वॉज एक्चुअली इन द प्रोहिबिटेड प्लेस इंस्टेड ऑफ विसिनिटी. अब ऑफेंस का मतलब होता है जुल्म, मतलब आप लॉ तोड़ोगे. टू बी फाउंड इन विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास. विसिनिटी का मतलब होता है आसपास कह लो, सराउंडिंग कह लो. सो इट इज एन ऑफेंस टू बी फाउंड आसपास अगर पाए गए. कहां पाए गए? प्रोहिबिटेड प्लेस. प्रोहिबिटेड प्लेस का मतलब वो कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया. रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या मतलब, जहां पर आपको जाने से मनाही है. आर्मी का एरिया हो गया, नेवी का एरिया हो गया, पार्लियामेंट हो गई हिंदुस्तान की. तो जैसे ऐसे एरियाज होते हैं जहां गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वहां पर नहीं जा सकते. अगर वहां पर आसपास मिल गए तो आपको जेल में डाल देंगे. ये लिखा है, सो इट इज एन ऑफेंस टू बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ अ प्रोहिबिटेड प्लेस. जो हमारा डिफेंडेंट है रामलाल जी, विसिनिटी तो रामलाल जी प्रोहिबिटेड प्लेस के आसपास नहीं थे, प्रोहिबिटेड प्लेस के अंदर थे.
जैसे जैसे समझो समझो बहुत डीप रहस्य है इसके अंदर, ये आपका प्रोहिबिटेड प्लेस है। वो 440 वॉट का झटके वाली बात हो गई ना, वो ऐसा बना हुआ होता है ना वो तो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्टिव प्लेस है, और वो ऐसा होता है ना, वो हड्डी बनी हुई होती है और यहां पर वो मुंडी बनी हुई होती है। मेरी ड्राइंग मेरी बड़ी गंदी है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बिजली के खंभों के कारण हो, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया किसी कारण हो, तो आप इधर पाए गए हो। आसपास ये है, ये इसकी विसिनिटी है, सराउंडिंग ये है, तो सराउंडिंग में होते तो लायबिलिटी है, आप बीच में हो, प्रोहिबिटेड प्लेस के अंदर घुस गए, सराउंडिंग में नहीं हो। तो क्या लिखा है, डिफेंडेंट वॉज एक्चुअली इन द प्रोहिबिटेड प्लेस, आप यहां पर हो, आसपास नहीं हो। तो क्वेश्चन ये होता है, आप गिल्टी हो या आप गिल्टी नहीं हो, यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, नॉट गिल्टी। ओहो आंसर आया लखनऊ सेंटर के प्यारे प्यारे बच्चों का, नॉट गिल्टी। कोलकाता सेंटर, कोलकाता वाले बोल रहे हैं जी यस, दिल्ली सेंटर वाले तो अभी सोच विचार कर रहे हैं, और लखनऊ सेंटर कह रहा है नो। अच्छा एक आंसर लखनऊ में दोबारा चेंज हो गया, माइंड बदल गया, ओहो अब गिल्टी हो गया, बताऊं? छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़े, नहीं बताता, मन नहीं कर रहा मेरा नहीं मैं बताता। देखो जी अगर हम लिटरल रूल लगाए, लिटरल रूल इससे पहले बड़ा था, लिटरल रूल क्या कहता है, जो लिखा है वो ही अंडरस्टैंडिंग में लाओ। लिखा क्या है, अगर आप आसपास पाए गए, मान लीजिए ये आसपास है, ये आसपास पाए गए ये एरिया में, गलत होगा। अरे भैया आसपास का मतलब खाली आसपास है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है? जैसे एक बच्चा मेरी क्लास में बदमाशी कर रहा था, तोड़फोड़ कर दी, मैंने कहा बेटा मेरी क्लास में आसपास भी दिखाई देगी ना तू, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बंदा क्या किया, क्लास के आसपास नहीं था, क्लास में बैठ गया आके सामने, सर मैं तो आसपास में हुई नहीं। भैया आसपास का मतलब बीच में भी तो होगा, तो लिटरल रूल लगाएं तो एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, लिटरल रूल लगाएं तो गलत रूल आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। आपने बोला ना यहां पर नॉट गिल्टी पहले, तो हम यहां पर लिटरल रूल नहीं लगाने वाले, क्योंकि लिटरल रूल के कारण रिजल्ट गलत आ रहा है। यहां पर कौन सा रूल लगेगा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है लिखवाऊंगा, अगर लिटरल रूल के कारण जो लॉ की इंटेंशन है, लॉ की चाहत है, वो ही फेल हो जाए, लिटरल रूल लगाया नहीं जाएगा। तो अगर इंटेंशन लॉ की क्या होगी, आसपास हो जाओ, आसपास ना हो बीच में आ जाओ, ये क्या बात हुई भाई, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये है, ये इसके आसपास का मतलब ये भी है, इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन ये बात लिखी भी नहीं है, समझने वाली बात है। तो यहां पर हम लिटरल रूल नहीं लगाएंगे, यहां पर हम गोल्डन रूल लगाएंगे, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल क्या कहता है, अगर लिटरल मीनिंग खराब रिजल्ट्स दे उसको इग्नोर कर दो। तो लिखिए पॉइंट नंबर थ्री या थर्ड रूल, गोल्डन रूल, लिखिए गोल्डन रूल। गोल्डन रूल स्ट्राइप्स वाला स्वेटर, आपका बड़ा अच्छा स्वेटर लग रहा है, इस बॉय का क्या नाम है बेटा आपका, स्ट्राइप्स वाला स्वेटर, कौन से सेंटर में है आप, प्यारा सा बच्चा दिख रहा है हमें, कौन सा सेंटर है ये, ब्लू स्ट्राइप्स हैं, ग्रीन स्ट्राइप्स हैं, येलो स्ट्राइप्स हैं, निर्माण विहार सेंटर है ये, बहुत बढ़िया। बेटा अपना नाम बताओ, शर्माओ मत, राकेश के आगे, क्या नाम है आपका बेटा, पता है नाम, भूल गए, लॉ के चक्कर में लॉ याद रह गया, सारे नाम भूल गए, अभी नाम आ नहीं रहा है, चलो बच्चा मान लेते हैं इसको हम, क्यूआरएस में लिखना है, क्यूआरएस में, अभी माइक मत यूज करो,
अभी आप लिख कर बोलो, अभी माइक का सिस्टम लास्ट में टेस्ट करेंगे, अभी आप लिखो, अपने कोऑर्डिनेटर को बोलो, ही विल राइट। चलो अभी ये देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है सेंटर में। चलिए तो लिखिए, क्या बोल रहा था मैं, बोलो बोलो। चलिए लिखिए, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल लिखिए। एज पर गोल्डन रूल, इफ ऑर्डिनरी मीनिंग, एज पर गोल्डन रूल, इफ ऑर्डिनरी मीनिंग gives absurd results, absurd, what is absurd, फालतू के results, बेतुके, जिसका कोई logic नहीं है, absurd, absurd, if ordinary meaning gives absurd results, comma, it can be disregarded, इग्नोर कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे, इट कैन बी डिसरिगार्डेड। तो आसपास हो जाओ, बीच में ना हो, ये क्या बात हुई सर, मेरे सिर पे आके बैठ गया, सर आपने मना किया था ना आसपास नहीं होना, मैं आपके सिर पे आके बैठ गया, ये क्या बात हुई, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई ना सर। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये आप ये कॉपी कर सकते हो, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो बढ़िया है, नहीं तो अभी मैं 25 सेकंड दे रहा हूं आपको, ये कॉपी कर लो, आंसर मैं नीचे लिखवा देता हूं। आंसर इज हेयर लिटरल रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर गोल्डन रूल, the ordinary meaning shall be disregarded, ordinary meaning disregarded, hence vicinity will include, vicinity will include prohibited place also, prohibited place also, and hence person was guilty. तो लिख लीजिएगा, here literal rule will not be applicable, literal rule को लागू नहीं करेंगे। अभी मैं आंसर्स की प्रेजेंटेशन कैसे है वो बताऊंगा, अभी तो मैं आपको खाली रूल्स की इंटरप्रिटेशन क्या है वो बता रहा हूं, पूरा ए टू जेड किस तरीके से लिखना है, पेंसिल से, पेन से, शार्पनर से, रबर से, क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं, बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप बस ये लिख लो, एज पर गोल्डन रूल द ऑर्डिनरी मीनिंग शैल बी डिसरिगार्डेड, हेंस विसिनिटी विल इंक्लूड प्रोहिबिटेड प्लेस ऑल्सो, हेंस पर्सन वॉज गिल्टी। चलो लिखते रहो और अपने हाथ खड़े करके बताओ कि समझ आया या नहीं आया। चलो रेज योर हैंड्स, डोंट शाय, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। चलो रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी, आई वांट टू सी योर हैंड्स। जो जो हाथ नहीं खड़ा करेगा वो पास नहीं होगा। वो भजन की बात याद आ गई, वो मैं एक भजन में गया था चार दिन पहले, भजन नहीं, वो क्या नाम था, वो रात को जो रात भर चलता है, जागरण, 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 तो वहां पर वो कोई भेटे गाने वाला आया हुआ था, तो बोलता जो लोग हाथ खड़े करके ताली नहीं बजाएंगे वो उनको मां की कृपा नहीं होगी। एक घंटा, मैं बोल नहीं पा रहा उसके क्या बोलूं उसको, एक घंटा हाथ खड़ा रखा, थका दिया उस बंदे ने, कि वो भैम आ जाता ना कि नहीं उठाएंगे पता नहीं भगवान की कृपा ना हो, तो वही मैं बोला दोबारा से एक बार दोनों हाथ खड़े करो देखने के लिए कि समझ आया नहीं आया। चलो शर्माना नहीं, जो जो हाथ नहीं खड़ा करेगा पास नहीं होगा, जल्दी हाथ खड़े करो दोबारा से, 1 2 3 स्टार्ट। चलो बढ़िया, अब इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं, बैठे बैठे टांगे दर्द देने लग गई होंगी, मैं भी थोड़ा अपनी
आवाज को 5 मिनट का विराम देता हूँ। लेट्स हैव अ ब्रेक। हाथ नीचे कर लो बेटा, ब्रेक में हाथ खड़े करके मत जाना, लोग बाहर घर से बाहर निकाल देंगे आपको। तो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। वेलकम बैक स्टूडेंट्स आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में समझा था और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ को पढ़ने के लिए बहुत अनिवार्य हैं। चाय पानी हो गया दोस्तों, फ्रेश हवा मिल गई, पेट भर गया। तो मैं बता रहा था कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ को पढ़ने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बेसिक्स होते हैं। एक अगर नींव हमारी स्ट्रांग है, फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग है, तो बिल्डिंग मजबूत बनती ही बनती है। तो जो नींव हमारी सीपीटी में बन जानी चाहिए थी, जो इंस्टीट्यूट चाहता था बने, नहीं बनी। तो इसीलिए उसी कार्यक्रम को, आपकी नींव को पक्का करने के कार्यक्रम को, उस प्रोसेस को मैं लगा हुआ हूं। कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, शर्माना मत, हिचकना मत, हेजिटेट मत करना। मुझे याद है दोस्तों, मैं स्कूल में बहुत शर्मीला बच्चा होता था, मेरे मन में डाउट्स होते थे लेकिन मैं पूछ नहीं पाता था। क्यों? मुझे लगता था मैं बोलूंगा बच्चे हंसेंगे। दोस्तों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको इसी बात पर, आपको क्वेरीज की बात के। एक घोड़े पे एक फादर और एक सन, एक बाप और एक बेटा घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। साइड में से एक आदमी चलता हुआ बोलता है, देखो ये दो इंसान क्या गधे हैं, एक जानवर पर चढ़कर जा रहे हैं, जानवर की कोई चिंता नहीं है इसको, इनको। तो बाप ने कहा, बेटा मैं उतर जाता हूं, तू घोड़े के ऊपर बैठ जा, अच्छा नहीं लगेगा, लोग हंस रहे। थोड़े देर घोड़ा आगे बढ़ा, बेटा घोड़े पे बैठा हुआ था, बाप पैदल चल रहा था। एक आदमी और मिला, हंसता है, बोलता है देखो कैसा नलायक बेटा है, खुद तो घोड़ी की सवारी कर रहा है और बाप को पैदल चला रहा है। तो फिर बाप बोलता है, बेटा लोग कह रहे हैं ऐसा कर, तू नीचे आ जा मैं ऊपर बैठ जाता हूं, तू नीचे आ जा मैं ऊपर घोड़े के बैठ जाता हूं। थोड़ा आगे चले, एक आदमी और मिला, वो हंसता है, बोलता है देखो क्या निर्दर्द, नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बेशरम बाप है, खुद तो घोड़े पे बैठा है बच्चे को नीचे चला रहा है, ये बाप होता है सब। बड़ी शर्म आई उसको, उसने क्या किया कि बेटा ऐसा करते हैं दोनों ही पैदल चलते हैं, घोड़े को साथ में चला लेंगे, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई मुझ पे इल्जाम लगाएगा ना तुझ पे इल्जाम लगाएगा। थोड़ा आगे बढ़े, घोड़ा चल रहा था, साथ में बाप बेटा पैदल चल रहे थे। एक आदमी मिलता है, हंसता है, क्या देखो क्या बाप बेटा पागल आदमी है, घोड़ा रखा ही क्यों है जब बैठना नहीं है। ये स्टोरी आपको यही समझाती है दोस्तों, आप कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो आप हेजिटेट मत करो। वो जिसने की शर्म उसके फूटे कर, मेरा तो फंडा सिंपल सा है। सो क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट मत करो। कोई कह रहा है अरे यार हंसेंगे, अच्छा सैटेलाइट क्लासेस का ये बड़ा फायदा है दोस्तों, फेस टू फेस में तो क्या होता है, बच्चे कभी कभार हेजिटेट करते हैं, आसपास हंसने के लिए भी लोग मिल जाते हैं, बोलेंगे तो सुन लेगा, आपको तो लिखना है तो
तो प्लीज डोंट हेजिटेट, मेरी दरखास्त है आप लोगों से क्वेरीज पूछो। मैं चाहता हूं कि आपका लॉ इतना क्लियर हो जाए कि खाली सीए बनने तक वो आपकी मदद ना करे, सीए बनने के बाद भी मदद करे। दोस्तों लॉ ने मुझे सब कुछ दिया है आफ्टर बिकिंग माय सीए। आई गॉट अ हाउस, आई गॉट अ वाइफ, आई गॉट अ कार, आई गॉट अ चाइल्ड। दिस इज बिकॉज आई कुड अर्न मनी एंड आई अर्न मनी बिकॉज आई हैव द नॉलेज। और नॉलेज किसने दी मुझे? लॉ ने दी दोस्तों। तो मुझे अभी तक अपने टीचर की बात याद आती है दोस्तों, वो भी गुप्ता सर होते थे हमारे। मैं करीबन 98 की बात, 1998, जब आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए हो नहीं पैदा तो हो गए थे, मे बी स्कूल जाना शुरू ना किया हो 98 में, है ना? सही कह रहा हूं? कितने साल हो गए पहले? 15 साल पहले की बात हो गई दोस्तों। सो गुप्ता सर हमारे कहते थे कि 21वीं शताब्दी 21st century इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। उस टाइम समझ नहीं आता था मुझे कि नॉलेज का क्या मतलब, व्हाट इज नॉलेज। आप सीए बनने के बाद नॉलेज का महत्व, नॉलेज की इंपॉर्टेंस मुझे समझ आती है। दोस्तों हमारा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई माल तो बेच नहीं रहे उसको चमका देंगे और माल बिक जाएगा। हम अपनी नॉलेज आपको दे रहे हैं, हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं। तो ज्ञान से ही सफलता मिलेगी दोस्तों। आप इंटरव्यू देने जाओगे, एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ, मेरा बच्चा था सीए बन गया, तो उससे ये पूछा गया इंटरव्यू में कि भैया बाहर क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग आउटसाइड। बोलता है, क्या बोलता है आपको पता क्या बोलता है? क्या जब घर से निकला था तो बादल छाए हुए थे, अब धूप निकली है। दोस्तों सोचो क्या उसने जवाब दिया। उससे ये पूछा गया बाहर क्या हो रहा है, उसने लिटरल रूल लगा दिया लिटरल बाहर। अरे भाई बाहर का मतलब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी बातें, लॉ में चेंजेस कैसे आ रही है, यही नहीं पता होंगी आपको तो ज्ञान कैसे मिलेगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं, क्लास में आप पढ़ ही रहे हो मेरे साथ, साथ ही साथ अपने दिमाग का विस्तार भी करो। टीवी देखते हो दोस्तों आप, बालिका वधु, ना आना इस गली, लाडो, बेरी पिया, इस टाइप के सीरियल्स आते हैं आजकल कलर्स पे, स्टार प्लस पे, सास भी बहू थी, नहीं अब तो पहले आता था। तो ये सारे सीरियल्स आप देखते हो बैठकर, दो दो घंटे लगाते हो, रो रहे हो, पीट रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? आप सीएनबीसी आवाज देखो चैनल, सीएनबीसी टीवी 18 देखो, अगर अंग्रेजी में टांग ढीली है तो सीएनबीसी आवाज देख लो, और अंग्रेजी में टांग टाइट है सीएनबीसी टीवी 18 देखो, ब्लूमबर्ग टीवी देखो, ये सारे बिजनेस चैनल्स हैं। उसमें आपको इकोनॉमी में क्या हो रहा है, लॉ में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी बातें प्रैक्टिकली दिखेंगी। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग हर रोज आधा घंटा टीवी देखें, फालतू के वो चित्राहार नहीं, मतलब दूरदर्शन का टाइम था वो आता था, फालतू के आप ये धूम थ्री देख के आए, कभी 3 घंटे कोई बिजनेस चैनल देख लेते, कल्याणी हो जाता। धूम थ्री देख के आए, बहुत बहुत तीज मार के आए हो ना, जैसे धूम थ्री आमिर उनके पैसे बढ़ाया है, जैसे धूम थ्री मैंने भी देखी थी लेकिन द पॉइंट इज मैं तो सीए बन चुका हूं ना दोस्तों, मैं तो एक 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 पोजीशन में पहुंच चुका हूं, मैं तो ये लिबर्टी ले सकता हूं, लेकिन आप लोग अभी नहीं कर सकते। अभी आपका जीवन शुरू हुआ है दोस्तों, अभी आप लोग एक छोटे बच्चे की तरह हो, और इस संसार में दोस्तों जब ही आप सक्सीड कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो। तो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन आसपास की नॉलेज क्या है? एक और तरीका नॉलेज लेने का बता सकता हूं, अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, हाँ या ना? हाँ या तो रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। हाँ हाथ रेज नहीं कर, अखबार नहीं पढ़ते आने की? हाँ अखबार पढ़ते हैं सब। क्या पढ़ते हो? कैटरीना कैफ का ब्रेकअप हो गया, किसके साथ, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, आपको ये सारी नॉलेज है। फालतू की बात, उसका टैटू है, उसका टैटू नहीं है, इनसे आपको क्या मिलेगा? आप पढ़ो अखबार में इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स को, या बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ा करो दोस्तों, व्यापार वाले न्यूज, वो पीले रंग का आता है इकोनॉमिक टाइम्स, पीला कागज उसमें होता है, 2 रुपए का होता है अखबार, 400 रुपए धूम थ्री में फूकाए, 200 रुपए का पॉपकॉर्न चढ़ा लिया, खा लिया,
पेप्सी पी ली, 1000 रुपए फूकाए, 2 रुपए नहीं है आपके पास अखबार के लिए। तो स्टार्ट स्टडिंग इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर होता है दोस्तों। अब हर चीज ऑनलाइन हो गई है, जैसे मेरी क्लासेस भी अब सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं, तो आपके मोबाइल्स तो होंगे, उसके बिना तो घर से निकलना ही दुर्भर है। रात को सोते सोते भी बटन दबते हैं फेसबुक के, व्हाट्सएप के, नींद ही नहीं आती उसके बिना, जब तक व्हाट्सएप पे 1 घंटा ना बैठ जाए। तो भैया आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो न्यूज़पेपर्स की। ये 10 मिनट की ब्रेक में गप्पे लगाने से अच्छा न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एंड्रॉयड मार्केट में है, आईट्यून्स में भी है, आईफोन है आपके पास तो, सैमसंग के फोन हैं तो, आप डाउनलोड करो इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार। तो आप अखबार पढ़ोगे, आप टीवी देखोगे चैनल्स, दिमाग खुलेगा दोस्त, क्योंकि जितना दिमाग खुलेगा उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो मेरी ये राय है कि आप स्टार्ट ओपनिंग अप योर होराइजन्स। हमें किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नॉलेज से। दिस इज माई एश्योरेंस टू यू, मोर नॉलेज यू हैव मोर मनी यू विल हैव, एंड मोर मनी मीन्स मोर हैप्पीनेस। फैक्ट है, इन्फ्लेशन का जमाना है, महंगाई बहुत है हर जगह, तो अगर पैसा नहीं है तो फिर आप दिन दिन की जो जरूरतें होती हैं वो कैसी पूरी करते। तो इसलिए माई एडवाइस, 3 साल मेहनत की है, 3 साल। वो शाहरुख खान की चक दे मूवी थी ना, उसमें 60 मिनट थे कुछ, 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ऐसी हॉकी खेलो, पता नहीं क्या डायलॉग था, वो कभी सुनाऊंगा मैं आपको। सो आपके पास 3 साल है, अभी आपकी लगभग एज आज 18 साल की होगी, 3 साल और पढ़ लिए, कर्फ्यू लगा दो अपने घर में 3 साल, क्या पढ़ना है सर, बस आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो 3 साल अगर आपने पढ़ लिया, जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्त। खाली अपने लिए मत पढ़ना, अपने माता पिता के लिए पढ़ना, उन्होंने किस संघर्ष से, किस मुसीबतों से आपको यहां तक पहुंचाया है, उनके लिए पढ़ना, उनके उनके प्यार के लिए पढ़ना दोस्तों। आपको कसम है अपने माता पिता की कि आप अपना टाइम फालतू के चक्रों में वेस्ट नहीं करो। 3 साल मुझे दे दो दोस्तों, मुझे दे दो, अपने टीचर्स को दो, प्रो एजुकेशन को दो, 3 साल दे दो मेहनत के, और देखो आप कहां से कहां पहुंचते हो। तो डेडिकेशन से, मैं अपनी बात करूं, मैं पढ़ाई के अंदर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, क्लास में पढ़ लिया, घर में आके रिवाइज कर लिया। लास्ट के एग्जाम से दो महीने पहले 14-14 घंटे मैं पढ़ता था दोस्तों, 14-14 घंटे। जब ही मैं हर अटेम्प्ट में पास हुआ, आई वॉज ऑल्सो इन द मेरिट लिस्ट। ये मेरी सफलता नहीं है, ये डेडिकेशन की सफलता है दोस्तों। तो अपने मन को कंट्रोल में रखो, मन बोलेगा रिवाइज नहीं करना, छोड़ यार कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, नहीं, हमें हाथों हाथ रिवाइज करना है। मन बोलेगा कि होमवर्क मत कर, 2-3 दिन तो एक्साइटेड होते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं यार छोड़ना, क्या पढ़ा है दोस्तों। 3 साल एक तरीका अपने की याद दिलवाने के लिए, अपने घर के जहां पर आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल जो आपकी है, या बेड पे पढ़ते हो, बेड पे मत पढ़ना, स्टडी टेबल मंगवाओ, स्टडी टेबल के आगे लिखो मिशन सीए, मिशन सीए। वो आप हर सुबह शाम देखोगे ना, तो अपने आप आपके अंदर जागरूकता पैदा होगी, पैशन पैदा होगा। दिमाग में चीजें मत लिखो, रखो, लिखो, हर चीज को लिखने का आदत डालो, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। इस तरीके से काम करोगे दोस्तों, पहुंच जाओगे एक दिन ऊपर। ऊपर का मतलब सक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर ऊपर नहीं, कभी छत पे चढ़ गए सर हम तो पहुंच गए छत पे, लो आपने कहा अभी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पैशन। मेरे फैमिली में 7 CAs हैं, आई एम अ CA, माई ब्रदर इज अ CA, माई सिस्टर इन लॉ इज अ CA, माई ताऊजी इज अ CA, मेरे कजन ताऊजी के 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों CA हैं। सो दे आर कितने, 3, 4, 5, 6। हाँ बस मेरी वाइफ ही MBA है। तो मैंने कहा यार सारे CA हो जाएंगे, दिमाग खराब कर देंगे, रहना तो उसी के साथ है, कम से कम एक MBA तो रख लेते हैं। तो कहने का मतलब है जज्बा था, एक पैशन था, जब ही आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो वही जज्बा, वही पैशन आपकी आंखों में मुझे चाहिए। तो हो मेरे साथ, नॉलेज बढ़ाओगे अपनी। एक बार दोबारा से हाथ खड़े करते हैं,
इस बहाने पता लग जाएगा, जो हाथ नहीं खड़ा करेगा उसकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। चलो 1 2 3 स्टार्ट, रेज योर हैंड्स, ये वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। दिल बाग बाग हो गया दोस्तों, आप मतलब आप बता नहीं सकता, मैं खुशी के आंसू निकलने वाले हैं मेरे, इतनी प्रसन्नता का अनुभूति हो रही है मुझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि तीन रूल हमने पढ़े, रूल ऑफ एसदम जेनरिस, हमने पढ़ा लिटरल रूल, हमने पढ़ा गोल्डन रूल, और दो तीन रूल्स और हैं। आज की क्लास में हम यहां तक ही पढ़ेंगे, अभी आधा घंटा लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। अभी तक आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरह से उमदा खेलते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए नेक्स्ट रूल करते हैं। वो पेपर पे लिखने की बात याद रखना, बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों उस पर। एक बड़ा घर की फोटो लगाओ, एक गाड़ी की फोटो लगाओ अपने अपने कमरे के अंदर, अपने मोबाइल पे रखो वॉलपेपर, वो कैटरीना कैफ का वॉलपेपर लगा के फिरते हो, क्या फायदा है उसका। या वो गर्ल्स उसका लगाती होंगी, कौन है वो, रणबीर कपूर वो, तो इनका क्या वॉलपेपर का फायदा है। आप लगाओ गाड़ी की फोटो, आप लगाओ सीए की फोटो, उस पर सीए का जो हमारा लोगो है वो लगाओ फोटो, तो उससे आपको दिमाग में 24 घंटे दिखेगा सीए मुझे बने। ये काम करो, फालतू के काम मत करो। चलो जी एक नया रूल पढ़ते हैं, देखते हैं आप आंसर कैसे देते हो। सेक्शन में लिखा है, मान लीजिए सेक्शन 3, एज्यूम कर रहे हैं सब काल्पनिक बातें हैं लेकिन एक्चुअली में लॉ में फॉलो करते हैं, तो एग्जांपल्स काल्पनिक है मेरे। सो सेक्शन 3 में लिखा है, एन एम्प्लॉई कैन नॉट बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन हॉलीडे। तो एक लॉ में लिखा है कि एक एम्प्लॉई छुट्टी वाले दिन उसको ऑफिस बुलाया नहीं जा सकता। ये एक लॉ के किसी एक्ट के किसी सेक्शन में, लॉ के पीछे एक्ट और एक्ट का प्रोसीजर, वो बिल वाली बात आ गई ना, तो एक्ट लागू होती है, बिल लागू नहीं होता। तो जब तक एक्ट नहीं बनेगी बिल बिल रहेगा, बिल की कोई अहमियत नहीं, एक्ट बनते ही वो हिंदुस्तान में लागू हो जाता है। सो एन एम्प्लॉई कैन नॉट बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन अ हॉलीडे, ये बात लिखी है। एक दूसरा ही सेक्शन, सेक्शन मान लीजिए 5, उसमें लिखा है एन एम्प्लॉई कैन बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन ऑर्डर ऑफ मैनेजर। लिखा है जी एन एम्प्लॉई कैन बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन ऑर्डर ऑफ मैनेजर, ये लॉ के दो विरोधीभास मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शंस हैं। एज्यूम कर रहे हैं कि एक लॉ है, एक एक्ट है, उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी, एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, यहां पर तो कह रहे हैं जी ऑफिस बुला नहीं सकते और दूसरा सेक्शन कह रहे हैं ऑफिस बुला सकते हैं, तो क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो किसकी चलेगी, इसकी चलेगी या इसकी चलेगी। मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, मम्मी कह रही है ये करते हैं, पापा कहते हैं वो करते हैं, मम्मी कहती है आज तो बाहर खाने पीने का मन कर रहा है, पापा बोलते हैं दाल मखनी खानी है, शाही पनीर खाना है, और मेरा मन तो रसगुल्ला खाने का कर रहा है और वेज कबाब का कर रहा है। वेज कबाब आप बताए ना आप लोगों ने, दिल्ली वाले आप क्या खिलाओगे, जलेबी। जैसे दिल्ली का कुछ अपने आप में कोई फेमस ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हर चीज दिल्ली में मिल जाते, रसगुल्ला भी मिलेगा लेकिन वेज कबाब शायद अच्छा ना मिले जो लखनऊ में मिलता। हाँ टेस्ट की बात वो नहीं होगी ये मैं कह सकता हूँ। यार खाने की बात कर दी, मैं तो सुबह से भूखा हूं, इन लोगों ने मुझे खाने को भी नहीं दिया है कुछ, चलो मजाक कर रहा हूं। चलिए तो ये बताओ
क्या दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है? किसकी चलेगी, सेक्शन तीन की चलेगी, सेक्शन पांच की चलेगी, बताओ? चलो बताओ, आई वॉन्ट दी आंसर। सेक्शन तीन की चलेगी, सेक्शन पांच की चलेगी, कौन सा मेन है, कौन सा सेकेंडरी है? सेक्शन तीन चलेगा, सेक्शन पांच चलेगा? आई वॉन्ट दी आंसर, 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 वेटिंग फॉर दी आंसर। कंफ्यूजन है? फाइव, लखनऊ सेंटर कहता है, हां जी, अच्छा, और कोलकाता सेंटर कह रहा है सेक्शन तीन, और दिल्ली सेंटर कह रहा है थ्री एंड फाइव बोथ। ओहो हो हो, मतलब तीन ही आंसर होते हैं। तीन में बता दिए, आंसर बताता हूं लखनऊ जी, फॉर अ चेंज आप लोग गलत हो। कोलकाता वाले जी आप भी गलत हो, दिल्ली वाले जी आप लोग सही हो। दोनों की चलेगी हैं? दोनों की चलेगी, ये कैसे हुआ तुम्हें भाई? तो मैंने क्या बोला था, मम्मी कह रही है बाहर खाने का मन है, पापा कह रहे हैं दाल मखनी खानी है, तो भैया दोनों की बात मान लो ना, बाहर जाके दाल मखनी खा लो। तो ये लॉ कौन सा लगा इधर, देखो दोस्तों, इधर जो लॉ लगेगा, लॉ ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इधर जो लॉ लगेगा उसका नाम है लॉ ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस वर्ड सुना हुआ है? हार्मोनियस, हार्मोनियस शब्द, हार्मोनियस शब्द कहां से आया है हमें क्या पता सर, कहां से आया बताते हैं। हार्मोनियस शब्द हार्मनी से आया है, हार्मनी, हार्मोनियस शब्द हार्मनी से आया है, और हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना, कोई झगड़ा ना हो। तो लॉ ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है दो विरोधीभास सेक्शंस, विरोधीभास मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शंस हो, दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शंस हो तो आप एक को पढ़ना है दो को पढ़ना है ऐसा मत समझ। ए ने कहा बाहर जाओ, बी ने कहा अंदर आओ, अरे बाहर जाके अंदर आ जाओ, तो दोनों को मिलकर पढ़ना है, तो दोनों को मिलकर करेंगे। दिल्ली वालों ने सही आंसर दिया, तो इसमें क्या करेंगे हम, दोनों को मिलकर पढ़ना है तो समझना मेरी बात, दोनों को मिलकर पढ़ना है। एम्प्लॉय कैन नॉट बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन हॉलीडे, हॉलीडे पे तो ऑफिस नहीं आएगा। नीचे क्या लिखा है, एंड एम्प्लॉय कैन बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन ऑर्डर ऑफ मैनेजर, दोनों को मिला दे, आंसर पता है क्या आएगा अगर ये रूल लगाएं? आंसर होगा एज अप्लाइंग दी अबव रूल बोथ सेक्शंस शुड बी रेड विद हार्मनी, देयरफॉर एन एम्प्लॉई कैन बी कॉल्ड टू ऑफिस ऑन हॉलीडे ओनली ऑन ऑर्डर ऑफ मैनेजर। ये इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉई को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस बुलाया जा सकता है अगर अगर मैनेजर साहब को ऑर्डर हो। तो यहां पर क्या लिखता हूं, एम्प्लॉय को छुट्टी पे नहीं बुलाया जा सकता, नीचे लिखा है कि नहीं बुलाया जा सकता है, तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द अबव रूल बोथ सेक्शन शुड बी रेड विद हार्मनी, तालमेल, हार्मनी का ना हिंदी का मतलब होता है ताल, ताल पे ताल मिला, वो एक ताल मूवी का गाना है ना, ताल मेल, मेल, थोड़ी हिंदी में टांग ढीली है, लिखने में टांग ढीली है, बोलने में तो मस्त है मुझे पता है, तालमेल, हार्मनी तो तालमेल।
So applying the above rule, both sections should be read together with harmony. Therefore, employee can be called to office on holiday on order of manager. समझ आई मेरी बात? हाँ या ना बोलो? चलो, आपकी आवाज सीधा दिल तक पहुंचती है। चलिए, एक और रूल करते हैं, लास्ट रूल। इनसे बहुत ज्यादा हमें लॉ पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं बीच में यूज करूंगा ना, हार्मनी का वाला रूल लगाओ, तो दो सेक्शन कुछ अलग अलग कह रहे होंगे, आप दोनों को मिलकर पढ़ोगे। मैं बोलूंगा लिटरल रूल लगाओ, आप जो लिखा है वही हो जाएगा। मैं बोलूंगा गोल्डन रूल, आप उसका इंटेंशन वाली बात लिटरल रूल नहीं लगाओगे वहां पर। मैं बोलूंगा एसदम जेनरिस, आप क्या समझ जाओगे कि भैया जनरल वर्ड स्पेशल वर्ड, तो जनरल वीट का मीनिंग, जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेशल से आता है। समझ आई मेरी बात? चलिए एक और केस स्टडी करते हैं, लास्ट केस स्टडी है हमारी। This is the last case study. लिखा था जी सेक्शन के अंदर पे इंटरेस्ट एनुइटीज एंड एनुअल इंटरेस्ट। वर्ड लिखा था जी पे इंटरेस्ट एनुइटीज एंड एनुअल इंटरेस्ट। ये लॉ में किसी भी एक्ट में लिखा हुआ था जी, आपको इंटरेस्ट देना है, आपको एनुइटी देनी है या एनुअल इंटरेस्ट देना है। आपको इंटरप्रेट करके ये बताना है, क्या बताना है जी, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन वन मंथली इंटरेस्ट, ऑप्शन टू क्वार्टरली इंटरेस्ट, ऑप्शन थ्री हाफ ईयरली इंटरेस्ट और ऑप्शन फोर ईयरली इंटरेस्ट। Now I want to see what is your interpretation. So लिखा है लॉ के किसी सेक्शन में, किसी एक्ट किसी सेक्शन में इंटरेस्ट है, एनुइटीज है, एनुअल इंटरेस्ट है। ऑप्शन वन कहता है मंथली ब्याज, ऑप्शन टू कहता है क्वार्टरली ब्याज, ऑप्शन थ्री कहता है हाफ ईयरली ब्याज और ऑप्शन फोर कहता है सालाना ब्याज। चलो जी लग जाओ अपने काम पर। आप ओहो बोलने से पहले ही आंसर आ गया मुझे हमारे लखनऊ सेंटर का और बाकी सेंटर्स प्रोसेस में है। ईयरली है, हाफ ईयरली आया है एक। दोस्तों आंसर है ईयरली इंटरेस्ट। यस द आंसर इज दिस। ये तीनों आंसर गलत है। क्या हुआ दोस्तों, यहां पर हमने कौन सा रूल लगाया? देखो कुछ नॉलेज ज्ञान है आपको। Yes, I'm very proud. You people have some basic knowledge. लेकिन उसी knowledge को थोड़ा refine करने की आवश्यकता है ना? यहां पर हमने rule लगाया दोस्तों, interpretation का rule. Nositur a socis. ये exam में पूछने के लिए नहीं होते दोस्तों। Exam में अगर mention करोगे ना ये terms, I bet आपको बहुत अच्छा impression पड़ेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा आप इंटरप्रेट करना पड़े, ये रूल मेंशन करो। प्रेजेंटेशन की बात है, वो अभी हल्के हल्के के क्लासेस में सिखाऊंगा। तो नॉसिटूर ए सॉकी क्या कहता है? अ वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स। ये नॉसिटूर ए सॉकी कहता है अ वर्ड डिराइव्ड इज मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स। दोस्तों एक इंग्लिश में आपने एक कहावत सुनी होगी,
अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स. इसका क्या मतलब कि आपके आसपास के जो लोग हैं उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है ना. आपके पास धीरू भाई अंबानी जैसे या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे, रतन टाटा जैसे लोग हैं तो आप इन्फ्लुएंशियल आदमी होंगे. आपका पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड है, आप इन्फ्लुएंशियल होंगे, है ना. आपके जो आसपास के स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, किसी के 25 नंबर आते हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो आप भी ऐसे ही डफर होंगे. कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों. तो ये जो इंटरेस्ट शब्द है इसका मीनिंग आइसोलेशन में या अकेले से नहीं देखेंगे. इसका मीनिंग हम ढूंढेंगे किससे, आसपास के शब्द, एनुअलिटी शब्द, एनुअल इंटरेस्ट शब्द. और एनुअल का मतलब होता है ईयरली. एनुअल का मतलब होता है ईयरली. और एनुअलिटी का मतलब भी होता है एनुअल पेमेंट. तो ये भी ईयरली, ये भी ईयरली, तो ये भी ईयरली हो गया. ये रूल एसएडम जनरी से मिलता जुलता है. हां दोस्तों, ये रूल एसएडम जनरी से मिलता जुलता है. एसएडम जनरी में क्या था कि स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद जनरल वर्ड आए, है ना. बाद में जनरल वर्ड आ रहा है, यहां पर वर्ड पहले ही आ रहा है. समझो मेरी बात. हमने किया था कार, ट्रक, बस, अदर मोटर पावर्ड व्हीकल. वो वर्ड लास्ट में आया था, पहले स्पेसिफिक वर्ड थे. लेकिन आप जरूरी नहीं कि लास्ट वाले वर्ड को पहले वाले वर्ड से डिराइव करेंगे. हो सकता है वर्ड पहले आए और कुछ वर्ड बाद में आए. तो यहां पर हम एसएडम जेनेरिस की बजाय नौसी टू रे सौकी जो ये रूल है ये लगाएंगे, जिसका मतलब है अ वर्ड डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स. आसपास के शब्दों से मीनिंग आता है. परफेक्ट है. अगर आपके व्यक्तित्व की मुझे परिचय चाहिए तो आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स, उनका पहचान लूं, उनको समझ लूं, तो आपका व्यक्तित्व भी समझ आएगा. तो यहां पर इंटरेस्ट का मीनिंग क्या आएगा, इंटरेस्ट की मीनिंग में, देयरफॉर इंटरेस्ट विल इंक्लूड ओनली एनुअल इंटरेस्ट. बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया था. सो इंटरेस्ट विल इंक्लूड ओनली एनुअल इंटरेस्ट. बहुत बढ़िया आपका आंसर था. यानी कि कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों की है. दोस्तों आज की क्लास हम यहां तक ही रखेंगे. मैं कुछ अहम बातें बाद में अभी बता देता हूं आपको. नेक्स्ट क्लास से आप अपनी बिजनेस लॉ की बुक्स लेके आएंगे. प्रोसेस में है, डिस्पैच में है. अगर नहीं भी पहुंचती है कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो बुक खाली आप रखेंगे अपने क्लास में रेफरेंस के लिए या होमवर्क के लिए. तो मैं सारा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बोलूंगा. तो नेक्स्ट क्लास से ये आपको बता दूं मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिजनेस लॉ स्टार्ट करने वाला हूं. वो हमारा 30 नंबर का हमारा टॉपिक है. अभी जो हमने आज की क्लास में किया, मेरी ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी बुरी आदत है, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले और क्लास स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट पक्का लेता हूं रिवाइज करने के लिए जो हमने क्लास में किया. तो कहने का मतलब क्या, आज जो क्लास हमने ली वो 5 मिनट रिवाइज करेंगे और यही 5 मिनट का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में भी करेंगे. सो दैट 3 रिवीजन आपकी हो जाएंगी. एक चटबंगनी पट भी अभी कर लेते हैं, एक आप घर जाकर जब करोगे और तीसरी रिवीजन आपकी नेक्स्ट क्लास की मॉर्निंग में हो जाएगी. तो इस तरीके से दिमाग में चीजें रिटेन होना अपने आप शुरू होंगी. तो आज हमने लॉ के सब्जेक्ट के बारे में समझा था. 100 नंबर का पेपर है. बिजनेस लॉ 30 मार्क्स, कंपनी लॉ 30 मार्क्स, एथिक्स 20 मार्क्स, कम्युनिकेशन 20. कंपनी लॉ के बारे में अभी प्रश्न चिन्ह है. क्या प्रश्न चिन्ह है, कंपनीज एक्ट 1956 मर्डर कर दिया. उसका मर्डर कर दिया मतलब उसको हटा दिया गया है और नया कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो गया है. लेकिन
2013 के सारे सेक्शंस अभी लागू नहीं हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट भी अभी वेट कर रहा है कि क्या आगे सिचुएशन बनती है। तो जिन बच्चों का मई 2014 में अटेम्प्ट है, उनके लिए तो पुराना कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल है, 1956 वाला। लेकिन मुझे लगता है हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो सारे नवंबर अटेम्प्ट के हैं, और नवंबर अटेम्प्ट में 2013 लागू होगा या 1956 लागू होगा, ये बात पता पता है कब चलेगी? 30 अप्रैल तक पता चल जानी चाहिए। 6 महीने पहले कट ऑफ डेट होती है, नवंबर में एग्जाम है, 6 महीने पहले 30 अप्रैल तक, तो इंस्टीट्यूट हमें 30 अप्रैल तक घोषणा कर देगा। लेकिन 30 अप्रैल तक हम अभी बिजनेस लॉ करेंगे, एथिक्स कम्युनिकेशन करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसा भी होता है हम उसके लिए तैयार है, ठीक है। पेपर में 7 क्वेश्चन होंगे, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 16 नंबर के, जिनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आपको ये बात बताई, मेरी अप्रोच समझने की रहेगी, ये मैंने बताया। चौथी बात, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी लॉ को इंटरप्रेट करने की, उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला लॉ करवाया था रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का। अच्छा, एक चीज और बताई थी, लॉ एक्ट और बिल में क्या फर्क है। पहले बिल होगा, एक्ट बनेगी, एक्ट बनते ही लॉ बन जाएगा। किताबें बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो, दिमाग खोल के बैठ जाओ बस। हाँ, आप बंद हो गया, बिल्कुल, आप सब किताबें बंद कर दो, अपनी बुक्स बंद कर दो, खाली मुझको देखो बस। चलो जी, सो रूल ऑफ एसिडम जेनेरिस क्या कहता है? ऑफ द सेम काइंड। क्या जनरल वर्ड्स के बाद स्पेसिफिक वर्ड्स, या स्पेसिफिक वर्ड के बाद जनरल वर्ड्स? स्पेसिफिक के बाद जनरल, तो जनरल का मीनिंग स्पेसिफिक से। लिटरल रूल क्या कहता है? जो लिखा है वो ही पढ़ो, ना प्लस ना माइनस। गोल्डन रूल कहता है अगर लिखने से पढ़ने का, जो लिखा हुई बात है वो ही पढ़ेंगे, मतलब गलत आ जाए इग्नोर कर दो, गोल्डन रूल लगाएंगे। फिर हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया, विरोधाभास वाले सेक्शन है दोनों को मिलकर पढ़ो। पांचवा आखिरी रूल किया नौसे टू रे सौ की कहता है कि आसपास के शब्दों से भी शब्द का मीनिंग हमें डिराइव होता है। तो ऐसी कुछ बुनियादी बातें और भी हैं, हम लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे आगे बीच बीच में मैं आपको ये बुनियादी बातें भी बताते रहूंगा, सो दैट लॉ के साथ हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती जाए। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ लॉ की पेचीदे पॉइंट्स, कुछ टिपिकल पॉइंट्स, इंटरप्रिटेशन। और आपको प्रॉमिस अपना याद है? बोलो, प्रॉमिस याद है? सर कौन सा प्रॉमिस? अभी तो कोई प्रॉमिस नहीं किया। किया है, आप घर जाके रिवाइज करोगे, घर जाके इकोनॉमिक टाइम्स देखो। ओ, इकोनॉमिक टाइम्स हाँ देख भी सकते हो, अब तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आप घर जाके सीएनबीसी टीवी 18 या सीएनबीसी आवाज चैनल देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे? और आज से ही आलतू फालतू के हम छोड़कर बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे। लास्ट में एक बार फिर हाथ खड़े करवा देता हूं कि अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है और प्रॉमिस करते हो तो प्रॉमिस है, देखो प्रॉमिस किया है, दोस्ती के निभानी पड़ेगी मेरे साथ, तोड़नी नहीं है दोस्ती। दोस्त वो होता है जो जिंदगी भर आपका साथ दे, मैं तो हूं ही साथ, आप साथ हो ही नहीं हो, एक बार हाथ खड़े कर दो दोबारा से दिल बाग बाग हो जाएगा। चलो रेज योर हैंड्स, 1 2 3 स्टार्ट। आधे मन से नहीं, ना ना ना, पूरे मन से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस, आई लव यू, बाय।